तो हिंदुस्तान का किसान सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है, तो हिंदुस्तान की बहनों और बेटियां अपनी इज्जत और आबरू के लिए 2 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही, तो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी और कर्मचारी के ऊपर जीएसटी की मार पड़ रही है, तो विद्यार्थी की छात्रवृत्ति, नौजवान का महंगाई भत्ता बंद है और सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में फैला है। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ से लोकसभा से राहुल कुशवाहा को जिताना बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों से कि जहां जिसका जैसा प्रभाव है, तन मन धन से यह बहुत बड़ा एक आंदोलन है, ये महासंग्राम है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। जैसी जिसकी शक्ति है वैसी आहुति दे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से राहुल कुशवाहा को विजयी बना के दिल्ली भेजे। कांग्रेस पार्टी अमर होगी और हमारी बात अमर। और बड़ी खुशी की बात है, कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को यश भी मिलना होता है। जिस दिन से बिजेंद्र सिंह हिसार ने और राहुल कुशवाहा ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की, तो उत्तरी भारत में इंडिया गठबंधन की सीटों का बोलबाला होने लग गया। लोग कहने लगे राजस्थान में पहले कहते 2 सीट आएंगी, 4 आएंगी, 5 आएंगी, 7 आएंगी, अब 15 तक तो पहुंच गई, 15 तक तो बोल रहे हैं। और धीरे धीरे आपकी शक्ति इसी प्रकार से रही तो वो दिन दूर नहीं, वोट पड़ने से पहले 20 बोलने लग जाएंगे, 20। ये आपकी जीत है। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद और स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। और आने वाले समय में जब तक वोट पड़े, आप पूरी ताकत के साथ आप घर घर जाके एक एक वोटर को 19 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक पोलिंग बूथ पर पहुंचाएंगे, सबके सब वोट डलवाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेंढक जनता, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। और जो माइक वाले साथी हैं वो ध्यान नहीं देने वाले, स्पीकर बंद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेंढक जनता। बहुत बहुत धन्यवाद टांडी साहब, आपने ओजस्वी वाणी से पधारे हुए चूरू लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसजनों को अपने उद्बोधन से लाभान्वित किया। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा युवा जुझारू और छात्र राजनीति से शुरुआत कर रहे भाई मनोज भामू को। आने वाले वक्ता सभी समय सीमा का ध्यान रखें। मैं उमेश सिंह जी राठौड़ कार्यालय प्रभारी और संजय जी पूनिया साधुपुर, लाल मोहम्मद जी लक्की सदस्य राजस्थान मदरसा बोर्ड से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर 2 नंबर की लाइन में बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें और उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा भाई मनोज भामू को। आज इस राहुल कुशवाहा जी की नामांकन सभा में पधारे हुए सम्मानित मंच और तमाम मेरे साथियों, बड़े बुजुर्गों, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुजदिल हमको, नादान ना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। साथियों, बड़े बुजुर्गों, आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस ऐसी लड़ाई में जो स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है, इस लड़ाई को आज चूरू की जनता की लड़ाई बन चुकी है। और कल कुछ लोग कह रहे थे, उनके मुंह से सच निकल रहा था कि यह लड़ाई सामंतवाद वर्सेज चूरू की जनता की है और इसमें जीत चूरू की जनता की होगी और हार सामंतवाद की होगी। साथियों, साथियों जिस दौर में
लोग भय के माहौल में है, उस भय से माहौल से निकालने के लिए किसानों और युवाओं के स्वाभिमान के लिए कोई लड़ रहा है तो वो कस्बा परिवार लड़ रहा है, क्योंकि इस पे दाग नहीं है। इन लोगों ने जनता की सेवा की है, इन्होंने थाने तहसील की राजनीति नहीं की, इन्होंने जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है। साथियों, ये किसी का पक्ष लेके किसी को थाने में बुला लिया, किसी का पक्ष ले लिया और किसी समाज को गाली दे दी, किसी को गाली नहीं दी, किसी धर्म को गाली नहीं दी। इसलिए आज भाजपा के लोग विकास के नाम पे नहीं बल्कि सामंतवाद के नाम पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ना फिरौन की है, ना मरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है और इस बार पीछे हटना नामुमकिन है, क्योंकि इस बार जंग आपके वजूद की है। वजूद और वर्चस्व की लड़ाई में आपको आगे आना पड़ेगा। साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, ये वो भाजपा पार्टी है, ये वो भाजपा पार्टी है जिसने इससे कहा कि कल लोग कह रहे थे, भाजपा के नेता कह रहे थे कि अग्निवीर और इससे किसानों को फायदा होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब का वो लड़का शहीद हुआ, अग्निवीर शहीद हुआ, जब सेना का सम्मान होता था, कांग्रेस की सरकार में होता था, पर आज वो सेना में एक पंजाब का लड़का शहीद हुआ, ना उसको तिरंगा नसीब हुआ, ना उसको कुछ और मिला। तो साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, 13 महीने तक किसानों ने लड़ाई लड़ी और जब ये जो भाजपा के लोग हैं, जो हमारी पहलवान बेटियों को प्रताड़ित कर रहे थे, तब ये भाजपा के लोग कहां थे, तब एक भी इनके बीच में नहीं आया। साथियों, आपको सोचना तो पड़ेगा और आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, जिस 4 महीने पहले जिस रफीक मंडेलिया को आपको आपने हराने के लिए, लोगों ने हराने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, राहुल कस्बा जी की टिकट करते ही सबसे पहले अगर हाथ फैला के कोई लेके आए राहुल कस्बा को कांग्रेस में, तो वो रफीक मंडेलिया लेके आया। यह आपको समझना पड़ेगा साथियों, ये भाजपा पार्टी हमारी नहीं है, ये भाजपा पार्टी उन चंद पूंजीपतियों की है, उन लोगों की है, उन सामंतवादियों की है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कौन अपना है, आपको समझना पड़ेगा, आपको वैचारिक बनना पड़ेगा। और मैं आपको अपने अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अरे लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पे खूब कनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहा है सरल होगा, कुछ समय जरूर लगेगा मगर संघर्ष जरूर सफल होगा। और आपका संघर्ष 19 अप्रैल तक, साथियों राजेश पायलट जी कहा करते थे कि आप समझदार बन जाइए, आप अपने उनके एक बात को सचिन पायलट जी भी कहते हैं, वो कहते हैं कि साथियों किसान भाइयों, आप अपने दिमाग को ठंडा कर लो, दिमाग को बर्फ बना लो, जबान से बोलना सही सीख लो और कदमों की रफ्तार 19 अप्रैल तक बढ़ा लो। राहुल कस्बा को 5 लाख वोटों से जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं है, ये भाजपा के लोग नहीं हरा सकते हमको, ये किसानों को नहीं हरा सकते, ये आपको सोचना पड़ेगा। अंतिम बात में यही कहना चाहूंगा कि इस देश का अस्तित्व संकट में है, बाबा साहब का संविधान संकट में है और हमारे देश का लोकतंत्र संकट में है, इसको बचाने के लिए आगे आइए। इस लड़ाई में राहुल कस्बा जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत कीजिए। और यही कहना चाहूंगा, अंत में दो नारे लगवाना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल कस्बा, राहुल कस्बा, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज रामू। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा, उससे पहले जो यहाँ पधारे हुए मेहमान है और
बता रहे हैं सभी सम्मानित कांग्रेस जनों का चोरू शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आगे की रो में जो नाम दिए गए हैं मेरे को उसी हिसाब से बैठने का कष्ट करें। मैं राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भाई खानू का बुधवाली का भी यह स्वागत अभिनंदन करता हूँ। राम सिंह कछुआ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ महामंत्री है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा साधुपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान श्रीमती निर्मला सिंगल को कि वायु आकर समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए अपना उद्बोधन दे। श्रीमती निर्मला सिंगल पूर्व प्रधान पंचायत समिति साधुपुर। हेलो, जो साथी इधर प्रेस वाली में बैठे हैं कृपया उनसे निवेदन है कि ये प्रेस की व्यवस्था की गई है, आप असुविधा ना करें, बाद में आपको उठना पड़ेगा। प्रेस के काफी लोग आए हुए हैं जिले भर से, वो बैठेंगे, कृपया आप इस ये मंच है वो खाली करें, फिर आपको उठना पड़ेगा, बुरा लगेगा, समय रहते आप इस पे प्रेस वालों के लिए खाली कर दे। हेलो मंच के भाई और चोरू जिला एसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्रीमान विद्याधर जी मेघवाल पधार चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर दो नंबर की लाइन में आकर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई विद्याधर जी मेघवाल अध्यक्ष चोरू जिला एसी प्रकोष्ठ कांग्रेस। चोरू लोकसभा से लोकसभा जिसकी चर्चा राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में इस बात की चर्चा है कि चूरू के जो लोग स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग, अपने मान और सम्मान के लिए जीने वाले लोग, उन्होंने आज हुंकार भरी है कि एक शासक जिसके ऊपर तिल मात्र भी दाग नहीं और जिसका वेदांत कार्य कर रहा है उसकी टिकट कट जाना, के माध्यम से कट जाना, आप लोगों ने ये ताकत दिखाई है पूरी लोकसभा क्षेत्र में कि हम सब एक साथ इस बात का बदला लेंगे। और हमने प्रण लिया है कि राहुल जी कसवा अकेले नहीं, उनके साथ में पूरे चूरू की जनता उनके साथ में है। और आप सब ने ये दिखा दिया है कि हम सब किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी के साथ अत्याचार। उसी का ये नतीजा है कि ढाणी ढाणी से कोने कोने से सब लोग और एक पूरे ताकत और जोश के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। राजगढ़ विधानसभा है, मैं तो एक इतनी सी चर्चा करना चाहूंगी कि मैं एससी समाज से हूँ और उस नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एक बहुजन का जो एक इन्होंने विकल्प कर रखा है, एक मिनी भाजपा, एक बहुजन, इन्होंने जो विकल्प कर रखा है, मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि जिसका आज जो बसपा से दहीराम मेघवाल उसका नामांकन दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं, उन महाशय जी से कहना चाहूंगी, उन नेताजी से कहना चाहूंगी कि आप नामांकन तो करवा रहे हैं, वोट आप इधर उधर सेट करवा रहे हैं, किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? अरे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं आप। कैसे आप ये सब समझ चुके हैं आपकी बात कि आप विधानसभा चुनाव में आप कहां, आप लोकसभा चुनाव में आप कहां? मैं इतना कहना चाहती हूं, मेरे समाज के लोगों से कहना चाहती हूं कि एक को रखो, चेतो रखो, ठरको रखो। धन्यवाद। कब तक ये सहते रहोगे आप? आपके वोट आप देते हो राज और कोई करता है। अपनी वोट की ताकत को पहचानो, वोट की ताकत को पहचानो। और आपसे मेरा निवेदन है कि समय को ध्यान में रखते हुए सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं, एक बार चूरू के मान और सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी से जो हमारे उम्मीदवार है राहुल जी कसवा, उनको वोट दे ताकि कहीं कोई चूरू की ओर कोई आंख उठा के नहीं देखे। अपने आत्मसम्मान के लिए आप इतना अच्छा फैसला करेंगे, आप सभी ने हमें मान और सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी सिंगल पूर्व प्रधान पंचायत समिति साधुपुर। पठार में लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित कांग्रेस जनों का चूरू की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत खैर मकदम। पठार में सभी महानुभाव से निवेदन है कि मंच के अंदर टेंट के अंदर बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था की गई है, आराम से कुर्सियों पर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। लोकसभा क्षेत्र के पांचों विधायक और तीन हारे हुए विधायक
वर्तमान सांसद और नेतागण आप लोगों से रूबरू होकर आप लोगों को संबोधित करेंगे। मीटिंग लंबी चलेगी। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये आप लोगों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से चलाने में आप सब लोग अपना सक्रिय योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा, उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा चुरू के पूर्व जिला प्रमुख भाई सोनलाल मेघवाल को कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई सोनलाल मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख चुरू। और मैं वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जयप्रकाश हाथरा को कि वो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना उद्बोधन दे। भाई जयप्रकाश हाथरा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामजस कॉलेज दिल्ली। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वरिष्ठ किसान नेता भाई आदुराम जी नेवलको की आए और आकर सभी आने वाले वक्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि समय सीमा का ध्यान रखें। सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजे गांव गांव ढाणी ढाणी शहर के विभिन्न मार्ग से आए हुए मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों माता बहनों पत्रकार बंधु, मैं आप लोगों के बीच में और नेता लोगों के बीच में ज्यादा टाइम नहीं लेके मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। जब भी हम रेडियो टीवी मोबाइल खोलते हैं तो मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है। अब की बार 400 बार तो मैं इस जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी की सारी गारंटियां झूठी हैं। मीडिया के लोगों द्वारा अपने चहेते लोगों द्वारा मोदी जी प्रचारित करवा रहे हैं कि जो मोदी जी द्वारा दी गई गारंटी है वो लकीर का पत्थर है, लेकिन मैं कहता हूं वो बिल्कुल सफेद झूठ है। मोदी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। मोदी जी ने वादा किया था कि युवाओं के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचाऊंगा, लेकिन वो गारंटियां कहां गई? किसानों को MSP की गारंटी नहीं दी, छात्रों को नकल की प्रक्रिया के MSP नहीं दी, महिला किसान बेरोजगार सब इस अपने कुचक्कर से ये कुचल रहे हैं। तो मैं इस मौके पर एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि तारानगर तहसील के लोगों का भला हो और वो धन्यवाद के पात्र हैं कि सामंत साई के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त तरीके से करारा झटका दे दिया। और अब मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि ये झाझड़िया चुनाव नहीं ले रहा है, इसके ऊपर सामंत साई की मोहर लग सकती है। तो देश हम राजा रजवाड़ों को राजघरानों को ठोकर मार के किसान के बेटे हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो इस सामंत साई व्यवस्था के खिलाफ उल्टी मोहर लगा दो और सूपड़ा साफ कर दो। मैं आप और जनता के बीच में ज्यादा टाइम नहीं लेके एक ही बात कहता हूँ कि सामंत साई के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई कर लो और सूपड़ा साफ कर दो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आदुराम जी देवल साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा साधनपुर से 2 बार विधायक रहे पूर्व संसदीय सचिव श्रीमान इंद्र सिंह जी पूर्णिया के सपुत्र भाई संजय पूर्णिया जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहे। लेकिन मैं सभी वक्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि समय सीमा का ध्यान रखे, वक्ता बहुत ज्यादा है। संजय जी पूर्णिया वरिष्ठ अधिवक्ता सोराम जी सैनी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें 2 नंबर की लाइन में। चोरू लोकसभा क्षेत्र से हमारी कांग्रेस आई के उम्मीदवार भाई राहुल कसवा के नामांकन की रैली में, भाई लोगों में तो रैली नहीं रेला कहूंगा, अभी कुछ मिनटों में रेला होने जा रहा है। सम्मानित जितने भी वरिष्ठ हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण, ज्ञात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के
सम्मानित मंच और चूरू जिले से पधारे हुए आठों विधानसभा क्षेत्रों से कोने कोने गांव गांव ढाणी ढाणी शहर से पधारे हुए मेरे मोतियों से महंगे मेरे पिता तुले बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे हम उम्र के भाइयों, मेरी माता और बहनों और पत्रकार बंधुओं, आप सभी का इस चूरू की धरती पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाइयों, 19 तारीख को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चूरू जिले की जनता तो फैसला कर चुकी है, लेकिन राजस्थान की जनता और हिंदुस्तान की जनता इस चूरू जिले की हॉट सीट पे नजर टिकाए हुए है। लोग देख रहे हैं कि चूरू जिले की जनता क्या करेगी। मैं पूरे राजस्थान की जनता को, चूरू जिले की जनता के माध्यम से देश की जनता को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। 36 कौम धर्म को साथ लेकर चलने वाली यदि कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग और तपस्या का इतिहास रहा है। मेरे पिता श्री इंद्र सिंह जी पूनिया, पूर्व विधायक राजगढ़, मेरी माता श्रीमती कौशल्या जी पूनिया, पूर्व जिला प्रमुख चूरू, अस्वस्थ होने के कारण आपके बीच में नहीं पधार पाए, लेकिन उनकी जो भावना इसके मंच के माध्यम से यही है कि बेटा संजय, पार्टी बोलने को मौको देगी। थे मेरी माता तो जनता जनार्दन ने कहिए। मैं तो यही कहना चाहूँ दोस्तों, राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों का कहना होगा कि राजगढ़ क्या करेगी। मैं सारी कांग्रेस करीब एक है, मैं 48 साल को हो गया हूँ, मैं तो मेरे जीवन में कांग्रेस ने एक कौन देखी, लेकिन यो मन बना लिया है चूरू जिले की जनता, चाहे लोअर की जनता हो, चाहे चूरू जिले को कोई क्षेत्र हो। और मैं गठबंधन के सीपीएम के सारे नेता, भाई बलवान जी ने, मंगेशा राम जी ने, भाई तारा नगर निर्मल जी ने और भाई सुनील ने, जो भी सरदार सर का नेता है, उन्होंने भी धन्यवाद दो कि कंधा को कंधा मिला के सभी साथियों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे की साइड में काफी सारी कुर्सियां पड़ी है, उन कुर्सियों पर बैठने का कष्ट करें। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा, ये जो सामने महानुभाव खड़े हैं, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कार्यक्रम आप लोगों का, आपके द्वारा और आपके लिए ही आज का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंच के भाई और जो कुर्सियां खाली पड़ी है उन पर बैठ कर अपना स्थान ग्रहण करें। चूरू लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, वर्तमान सांसद, पार्षदगण, प्रधान, सरपंचगण और सभापति, सभी आप लोगों से रूबरू होकर अपनी बात रखेंगे। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंच के भाई और कुर्सियों पर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा चूरू जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई आसिफ खान को और आने वाले सभी वक्ता समय सीमा का ध्यान रखें। वतन पे लहू बहाने का रिवाज है हमारा खानदानी, उठा रहे हैं हम पर वो भी उंगलियां, जिनका खून है पानी। आज इस विशाल नामांकन सभा में हमारे बीच में मंचा सिंह, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेतागण, हमारे सम्मानित नेतागण के सुशोभित करूंगा और गांव गांव ढाणी ढाणी से राहुल कस्वा जी को एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत देने पहुंचे हैं और इस कांग्रेस के झंडे को मजबूती देने वाले मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन और हीरे की तरह चमकते युवा
माध्यम से मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ चूरू कांग्रेस के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस विशाल नामांकन सभा को ऐतिहासिक और सफल बनाने का कार्य किया है साथियों। लेकिन साथियों इन सबसे काम नहीं चलेगा, हमें लड़ना होगा उन तानाशाहों से, हमें लड़ना होगा उन सामंतवादी सोच से जो आज भारत देश में दो भारत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक भारत मोदी जी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए बनाना चाहते हैं, उन्हें देश की संपत्ति और देश का संसाधन सौंपना चाहते हैं साथियों। और हमें लड़ना होगा उन निर्लज्जाई ताकतों से जो युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर। हमें लड़ना होगा उन सामंतवादी ताकतों से जो आज काले कानून लाकर किसानों का खून के आंसू रुलाने का काम कर रही है। हमें लड़ना होगा उन तानाशाही ताकतों से जो आज हमारी पहलवान बेटियों को जब वो अपने हक और हकूक के लिए लड़ रही थी उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा था, पीटा जा रहा था। साथियों देश की सेना देश का सबसे बड़ा मान सम्मान होती है, देश की सेना देश की ताकत होती है, देश का ताज होती है। आज गांव गांव ढाणी ढाणी से लाखों युवा पधारे हैं, उनके मन में यह सपना होता है कि देश के ऊपर समर्पित होने का, देश के ऊपर अपने प्राण न्योछावर करने का, कि हमें भी अपना मौका मिले, हमें भी एक सपना मिले। लेकिन साथियों आज दुर्भाग्य देखिए कि अग्निवीर जैसी योजना लाकर इन सभी युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात किया है, इनके सपनों को कुचलने का काम किया है। साथियों आज हमारा दुर्भाग्य देखिए कि देश के ऊपर शहीदों करा रहे शहीद को तिरंगा तक नसीब नहीं हो रहा है, उसके और उसके परिवार को अंतिम संस्कार में दिए जाने वाला सम्मान तक नसीब नहीं हो रहा है। साथियों हमारी ये देश की सबसे बड़ी विनम्रता देखिए, आज हम सब किसान परिवार से आते हैं, आज धरती का सीना चीर कर हम अन्न उगा कर इन देश का पेट भरते हैं साथियों और अपना स्वाभिमान का जीवन देते जीते हैं। लेकिन इस भाजपा सरकार ने काले कानून लाकर इस देश के किसानों को मान सम्मान को पैरों तले रौंदा है। साथियों आज इनके काले कानूनों के खिलाफ हमारे 750 से ज्यादा किसान साथी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। साथियों मुआवजा तो छोड़िए, श्रद्धांजलि तो छोड़िए, इनको खालिस्तानी आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। साथियों किसी विद्वान ने कहा है कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा और खून सस्ता है हमारे देश में, खून सस्ता है हमारे देश में। आज भाजपा के नेता चूरू के सामंतवादी नेता देवेंद्र झाझड़िया को टिकट देकर किसान कौम को दो भागों में बांटना चाहते हैं, देवेंद्र झाझड़िया के नाम से सहानुभूति लेना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको पूछना चाहता हूं कि जब देश का किसान बॉर्डर पे लड़ रहा था, जब आपका सामंतवाद कहां गया था, जब आपकी सहानुभूति कहां गई थी। साथियों मैं कल सुन रहा था हलाल सैन जी हमारे यहाँ के माननीय विधायक कह रहे थे कि किसान कौम के साथियों ये मेरे मान सम्मान की बात है, मेरी लाज रख लेना और नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। मैं लालजी सैन से पूछना चाहता हूँ कि जब इस किसान कौम ने आपका मान सम्मान रखा था, याद करो वह समय जब चुन चुन कर किसान कौम के बच्चों को दूर दूर भेजा जा रहा था, उनका ट्रांसफर किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। साथियों ये सब इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा कि जब ये चूरू की जनता अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी, तब ये लाल सरन जी आप साम्यवादी नेताओं का साथ दे रहे थे, उनकी गोद में बैठे थे। जवाब देना होगा आपको, मुझे संक्षिप्त में बोलने का बोला गया है। साथियों आज जो ये अपार जनसलाब पहुंचा है, ये आपके जोश और ताकत से बता रहा है कि इस भाजपा के और इन सामंतवादी नेताओं के आने वाले समय में राहुल कसवा जी को पुनः लोकसभा पहुंचाकर बचीड़ बुलाने का और मौर्य बुलाने का काम ये यहाँ अपार जनसलाब बैठा ये करेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, राम राम सर, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आसिफ खान, जिला अध्यक्ष यू कांग्रेस चूरू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तारानगर के जुझारू कॉमरेड एडवोकेट भाई निर्मल प्रजापत को, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से भाई निर्मल प्रजापत का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आए भाई निर्मल प्रजापत और अपना उद्बोधन देके आप लोगों की हौसला अफजाई करें। साथियों नमस्कार, कांग्रेस पार्टी के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता पंडाल के बाहर हैं, सबसे हाथ जोड़
हमारे युवा सांसद अर्दिल अजीज कुछ ही क्षणों बाद हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। मंच के दाईं तरफ जो कुर्सियां हैं उन पर सभी बाहर जो हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं उनसे विनम्र अपील है कि वो कृपया मंच पे आने का, मंच के बाईं साइड में दाईं साइड में जो कुर्सियां खाली हैं उन पर बैठने का कष्ट करेंगे। पुलिस प्रशासन के जितने भी नौजवान एवं प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात को सुन रहे हैं वो सुन ले, ये राहुल कस्वा का जलवा है जो चोरू में आके रुकेगा। आप कितने ही बैरिकेड लगा लो कोई भी कार्यकर्ता सभा स्थल पर आने से नहीं रुकेगा। ये हमारा चैलेंज है, प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जितने भी बैरिकेड्स लगाए हैं कार्यकर्ताओं को जाने से रोका जा रहा है वो बैरिकेड्स को हटाने का कष्ट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलदीप जी पूनिया। और मैं आमंत्रित करूंगा एडवोकेट निर्मल प्रजापत साहब को कि वो आए और आप लोगों से रूबरू हो। इंडिया गठबंधन के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार राहुल जी कस्वा के समर्थन में आज की इस नामांकन सभा में सम्मानित मंच गांव गांव डाणी डाणी से पूरे लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सम्माननीय बुजुर्गों, किसान साथियों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, साथियों, मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने इंडिया गठबंधन के बारे में आपके बीच में बातें रखी हैं। आप और हमको ये समझना पड़ेगा हमारे जिले की जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है उसी तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो दो व्यक्तियों की सरकार है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा है। ये दो व्यक्तियों की कंपनी बनकर के जिस तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों के ऊपर हमला कर रही है, जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने जा रही है, ऐसे में देश की विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के रूप में यह तय किया है एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने गठबंधन का एक ही उम्मीदवार होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि चूरू में ही मौर्या बोलेगा, मौर्या अब पूरे देश में बोलेगा और इंडिया गठबंधन बुला। आज जो देश की सत्ता में बैठे 32% वोट बैंक लेकर बहन निर्मला कह रही थी, अपील कर रही थी कि वोटों का विभाजन नहीं हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ है वो सीट एडजस्टमेंट है, मैनिफेस्टो अभी बना नहीं है, वो चुनाव के परिणाम के बाद में बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार देश की पार्लियामेंट में जीत के नहीं जाएंगे, ये इंडिया गठबंधन का संकल्प है। क्या नारा दिया है ते सुने होगे मोदी जी की मन की बात, पहली जीता कॉन्फिडेंस बोलता, अब कड़े कॉन्फिडेंस जवाब दे रखे है, अब कड़े वो ललाट को है नीचे रह पर ये मरिया मरिया बोले जी का नहीं। मीडिया का लोग भी कह रहे के बोलो की तो बोलो, अब कड़े एक नारा दिया अब की बार 400 बार 2004 में कह दियो बोला फील गुड इंडिया साइनिंग मैं करिया 200 अब की बार 400 पार। मैं मेरा क्या बीजेपी में भी कई मित्र है, मैं बोला मार लो नारा किया है मैं यार इन तो दम को नहीं मुखिया वो 143 छोड़ दी बात चूरू तो भी मैं गई। ये जो स्क्रीने लगी हुई है टेंट के अंदर ये कुछ स्क्रीने बंद पड़ी है, कृपया इनसे निवेदन है कि इन स्क्रीनों को चालू करने का कष्ट करें। स्क्रीने वो कुछ बंद पड़ी है इनको चालू करें कृपया। मैं गए 143 भूल गया था चूरू तो भी मैं गई और जिक्र चलन ला क्योंकि एक ही चूरू कोनी 25 मुंह 15 इंडिया गठबंधन का नहीं जा रही है और आज 19 तारीख का दिन पड़ा है। कभी क्या दो आएगी फिर कहीं चार एक तो आई जाएगी, बस हमला करे जिक्र। आज जो हालात मैं कल सीकर गया था, मैंने एक पत्रकार पूछो बोलो के केला क्या मुकाबलो क्या हुआ है, मैं मुकाबलो तो चूरू और तारानगर आ रहा हूँ, चूरू और सिक्कर आ रहा हूँ,
गेरा बहुत लोट बहुत तेरा। अब देख लो आ है कि जीत बड़ी सिक्कर गठबंधन की होवे या चूरुआ रंगी होवे वो मुकाबला हो गयो, लेकिन फैसला जनता ने कर दिया है। यहाँ से कांग्रेस के राहुल कस्वा जीतेंगे और सिक्कर से सीपीएम के कामरेड अमराराम जीतेंगे और हमें ये ताकत लगानी है। गठबंधन की एक तस्वीर आप भी बनी, आचोरू की सीट गठबंधन में सीपीएम ने मिल ली, बीच में मैं कामरेड बलवान पूनिया कोई रास्ते में सफर कर रहा, बीच में एक समाचार आया कि राहुल जी की टिकट कट गई। मैंने बलवान जी बोला कि के लागे है राहुल के जवान छोरो घरे थोड़ी बैठ जागो, मन नहीं लागे भाई घरे तो कौन बैठे। फिर बोले को इड्डी आड्डी को भय हुए तो मुझे कि माल मारेड़ो है जो तो घरे बैठ जाएगा नहीं इस मैदान में आसी नेट ने कमला के चुंगेड़ो है घरे तो कह बैठे को। आपने फैसला लिया, हमने सहर्ष उस फैसले को स्वीकार किया। इंडिया गठबंधन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को सीकर की सीट मिली हुई है। आप सीकर की सीट जिताओ और जितनी मेहनत इस तिरंगे झंडे के लोग करेंगे उससे ज्यादा राहुल कस्वा के लिए हम लाल झंडे के लोग यहाँ पर नहीं पूरे राजस्थान में मेहनत करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अब ये औरतों की बंचों को नहीं गहला सी राहुल कस्वा जी दूसरी पार्टी में हार में मारे सागी जंगा हाई मारी के कोई बीमे बामे वो आंदोलन हो तो आपस में थोड़ी कूणी भिड़ती लोग जी का वीडियो वायरल करे बोले बल थे यहाँ कहता। अरे मैं तो कहता थोड़ा बहुत राहुल जी भी कहता पर थे जी के नेता की बात करो बे कदी बीमे को बे नाम भी मुंह में गालियोगे एक वीडियो ले आगे तो जो कदी नहर की बात करी गे कदी रोजगार की बात करी गे कदी शिक्षा और चिकित्सा की बात करी गे पहली थोड़ी थोड़ी कूनी बढ़ती अब बांध में बांध गाल के आगे बढ़ांगा और थारी हर लड़ाई जनता की जी की है बा मजबूती के सागे लड़ांगा। आई बात कहेंगे मैं तो एक ही विश्वास थाने दिर आगे जाऊं हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ इंडिया गठबंधन के अंदर पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर हिंदी भाषी इलाके में जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है वहां गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान से तन मन धन से सहयोग करेगी। यही विश्वास दिलाते हुए आप तमाम साथी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर के लगोगे यही इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय इंडिया गठबंधन धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कामरेड एडवोकेट भाई निर्मल प्रजापत साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा वरिष्ठ अधिवक्ता आसाराम जी सैनी साहब को कि वो आए और आकर समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए अपना उद्बोधन दे। एडवोकेट आसाराम जी सैनी साहब। परम सम्मानीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण सीपीएम के नेतागण और लोकसभा क्षेत्र से आठों विधानसभाओं से आए हजारों की तादाद के अंदर मेरे किसान भाइयों आप सबको पता है कि 19 तारीख को वोट है लेकिन इसी स्टेज से ये लाखों की तादाद में जो लोग बैठे हैं उनके सामने सबसे पहले मैं राम सिंह कस्वा और कमला कस्वा को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसे बेटे को जन्मा जिसने सबसे पहले मोदी के अंगुली आंख में डाली मोदी के अंगुली आंख में डाली। राहुल कस्वा वो इंसान है जिसने सबसे पहले यह बात कही कि मेरी टिकट काटी तो मोदी जी बताओ मेरा कसूर क्या है। हिंदुस्तान में कोई नहीं बोला सब चुपचाप घर बैठ गए जिनकी टिकटें कटी। इसलिए किसान भाइयों ये चूरू के अंदर जो क्रांतिकारी कदम राहुल कस्वा ने उठाया है उस कदम को बहुत मजबूती के साथ सबको साथ देना है ताकि राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में इतिहास बने कि मोदी और अमित शाह जो अन्याय करता है वो हिंदुस्तान के राजस्थान के किसान से नहीं करते हैं। आप सब लोग इतनी तपती धूप में पधारे अभी 15-10 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री और सारे नेता आने वाले हैं पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी अपील है कि सब लोग यहाँ पर सभा स्थल में आगे बैठे और हमारे नेताओं के भाषण सुने। आप सब लोग पधारे उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मान्य एडवोकेट आसाराम जी सैनी साहब।
मैं आमंत्रित करूंगा चोरो विधानसभा क्षेत्र से पंचायत समिति के प्रधान ने जुझारू नेता भाई किसान नेता रणजीत जी सातवा को कि आए और आकर आप लोगों से रूबरू हो। पूर्व प्रधान पंचायत समिति चोरू भाई रणजीत जी सातवा राम राम सर। आज चूरू लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत ही जुझारू और ऊर्जावान आदर योग्य सम्मान्य राहुल कसवा जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मान्य इंद्राज जी खीचड़ साहब और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और कम्युनिस्ट पार्टी के सारे नेतागण और मेरे सामने विराजे हुए पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों माता और बहनों और मेरे मीडिया के साथियों, अभी पूर्व वक्ताओं ने एक बात कही कि आज राहुल कसवान जी की नामांकन रैली आप लोगों की विशाल संख्या देख करके ये लगता है कि ये रैली नहीं, ये तो रेला हो गया है। टेलीफोन आ रहे हैं कि पूरे शहर में चारों तरफ रास्ते जाम हैं, लाखों की तादाद में मीटिंग में लोग आ रहे हैं। आज इस लावणी के टाइम में कास्ट के टाइम में एक एक आदमी सुबह जल्दी उठ के 5 बजे के खेत जाने आ रहा है। ये खेत खलियान और ढाणी दुरुस्त गांव का लोग जो है अठा आज आए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा राम सिंह जी कसवा साहब भी बैठे ही राहुल जी का पिताश्री चूरू जिले के मां कांग्रेस में लोकसभा के अंदर 6 बार उस हुक्को पड़ रहे तकरीबन 30 साल हो गया, लेकिन आज की जनता जनार्दन बैठी है मेरा देव तुल्य बहुत ही सम्मानित साथी बैठे हैं। आपकी उपस्थिति देखिए बात लगे कि राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस में सबसे ज्यादा वोटाशु राहुल कसवा की जीत होगी। राहुल कसवा नौजवान है, जुझारू है, 36 कोम की लड़ाई लड़ने वाला आदमी है, हमेशा किसान मजदूर महिला नौजवान की बात रखने वाला है। तो आज अपन मौका है, आज अपन बहुत बड़ा अवसर है कि मौके ना अपन चूकनू को नहीं। अभी पर्ची समय सीमा को ध्यान रखने की बात है तो मैं तो आई निवेदन करूं कि आप सब समय निकाल के आया हो। आज किसान पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी सागे कितो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियां जो मेडल लेके देश को गौरव बढ़ायो बन बैठे दिल्ली के जंतर मंतर पर बन गए सीटी गई। आ भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है। आज नारी वंदन को अभियान चला रही है, नई संसद की बड़ी महिला राष्ट्रपति संविधान को सर्वोच्च पद है भी संसद के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति निमंत्रण को दी हुई। दुर्भाग्य की के बात हो सी, क्या की महिला वंदन की बात करें। कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 कोम की पार्टी है, हर आदमी साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आने वाली 19 तारीख ने मैं तो आपको राहुल कसवा चुनाव को लड़ रहे हो, पूरी जनता उठ खड़ी हुई, तारानगरी नहीं बल्कि अब की बार नौर और भादरा और पूरा जिला तारानगर की तरह कारनामा करने वाला है। आप सब लोग 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व प्रधान प्रधान पंचायत समिति भाई रणजीत जी सातड़ा। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा हमारे बीच रतनगढ़ के किसान नेता विधायक फूसाराम जी गोदारा दलबल सहित पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से फूसाराम जी गोदारा का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करूंगा वर्तमान में जिला परिषद जिला प्रमुख श्रीमती वंदना जी आर्य के ससुर भाई मोहन जी आर्य जो राउत राम जी आर्य के पुत्र स्वर्गीय, उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट बने उद्बोधन दे। भाई मोहन जी आर्य। साथियों नमस्कार, मेरा पुलिस प्रशासन से एक बार पुनः अनुरोध है कि आज इस कांग्रेस की महारैली में जो कार्यकर्ता पधार रहे हैं उनको सभा स्थल तक आने के लिए रास्ता प्रदान करें। जगह जगह बैरिकेड्स लगा करके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, ये गलत बात है। हमारा कार्यकर्ताओं का जन सैलाब राजगढ़ के हर रास्ते पे उमड़ रहा है और जितने भी कार्यकर्ता पंडाल के बाहर हैं सभी से मेरा एक बार पुनः अनुरोध रहेगा कि वो सभा स्थल के मंच के दाईं साइड में जो कुर्सियां हैं वहां बैठने का कष्ट करेंगे। जो भी कार्यकर्ता पंडाल से बाहर है उन्हें राहुल की सौगंध है, वो मंच के दाईं तरफ जो कुर्सियां हैं वहां आकर के बैठेंगे। मात्र कुछ ही क्षणों में हमारे युवा अर्दिल अजीज राहुल कसवा हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी डोटासरा जी भी आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से अनुरोध कि वो आकर के यथा समय अपना स्थान ग्रहण करें और इस रैली को महारैली में बदलने में अपना सहयोग प्रदान करें। सम्मानित मंच, सम्मानित नेता गण, सम्मानित मेरे सामने पधारे दलित मजदूर किसान भाइयों बंधुओं, सबसे पहले तो मैं धन्य उस मां बाप को दूंगा जिसने राहुल जैसे कोहिनूर को जन्म लिया और उस कोहिनूर ने यह साबित करके दिखाया इस देश का पहला सांसद ऐसा है जिसने प्रधानमंत्री के आंखों में आंखें डालकर जवाब किया है। उसने पूछा है मेरा कसूर क्या है, मेरी उपस्थिति कम है। हेलो हेलो, हमारे बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री गोविंद जी डोटसरा हमारे बीच पधार चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच राजस्थान के किसान नेता ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटसरा हमारे बीच पधार चुके हैं। सभी से आग्रह की तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। गोविंद जी डोटसरा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। गोविंद जी डोटसरा, गोविंद जी डोटसरा, गोविंद जी डोटसरा, गोविंद जी डोटसरा। कांग्रेस आई गोविंद डोटसरा, गोविंद डोटसरा, गोविंद जी डोटसरा, गोविंद जी डोटसरा, गोविंद जी डोटसरा। मैं अपनी बात किसान नेता गोविंद जी डोटसरा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। पधारने पर मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं और मैं सभी दलित बंधुओं से और किसान बंधुओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आगामी 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी के राहुल के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट डलवा कर विजय घोषित करवाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। गोविंद डोटसरा, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद डोटसरा, गोविंद डोटसरा, मारो तेजा जी महाराज रे, बिन मांगिया मन सब कुछ दी दो राके मारी लाज। हेलो हेलो, पर डुपर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा रतनगढ़ के विधायक श्रीमान फूसाराम जी गोदारा को। हमारे बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम सम्मान्य अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं। उनका जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें और मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा फूसाराम जी गोदारा को। आज की
लोकसभा क्षेत्र चूरू की हमारे लोकसभा के कांग्रेस के अधिकार प्रत्याशी भाई राहुल कस्वा जी के नामांकन रैली में भारी जन सैलाब के बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष एवं राजस्थान की किसान की आवाज हमारे लोकप्रिय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंच पर आसीन पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा साहब, तमाम हमारे विधायकगण, तमाम हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के मंच पर आसीन अगुवा नेतागण, सामने विराजमान चूरू लोकसभा क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों और मात्र शक्ति, आज हमारी लोकसभा के अधिकृत प्रत्याशी राहुल जी कसवा द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद उनके समर्थन में आप लोग सब पधारे हो, इसलिए मैं सबसे पहले आपका भारी संख्या में पधारने पर हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। यहाँ से राहुल कसवा जो लंबे समय से हमारी लोकसभा के प्रतिनिधि करते आए रहे हैं, इन्होंने बड़ी ताकत के साथ गरीब दलित मजदूर और किसान की आवाज बनकर काम किया, उनके साथ जो नाइंसाफी जो ताकतों ने की है उनको जवाब देने के लिए और आप सब लोगों को कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और हमारे देश प्रदेश हमारे जिले में दलित मजदूर और किसान की हालात को सुधारने के लिए और आम आवाम के लिए आप और हम सबको यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई राहुल कसवा और हमारी कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए मैं आपसे हृदय से आग्रह करना चाहता हूँ और आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप बड़ी संख्या में पधारे हो, इसलिए गांव गांव और ढाणी ढाणी में आप स्वयं हमारे पार्टी के उम्मीदवार बन के काम करेंगे और इसके साथ साथ आम आवाम को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और इस देश में जो अराजकता और जो डर का भय का जो माहौल और वातावरण पैदा किया गया है उसको समाप्त करने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे राहुल कसवा जो युवा है और हमारे आम जन की भावनाओं के अनुसार जब इनको हमारे कांग्रेस के हाईकमान ने हमारी पार्टी के हाईकमान ने जो हमारे आदरणीय पीसीसी चीफ डोटासरा साहब जो भी आपको संबोधित करेंगे, आप और हम सब हमेशा भाषण देते रहते हैं, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि 36 कौम के लोगों का जो जनमानस बना हुआ है, जो जज्बा पैदा हुआ है कांग्रेस पार्टी और हमारे उम्मीदवार के प्रति, उसको कायम रखते हुए 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लगा करके शाम तक हाथ के निशान पर राहुल कसवा कांग्रेस का उम्मीदवार बन के आपको भारी बहुमत से राहुल कसवा को जिताकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की कुशासन को जवाब देना है और यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर कांग्रेस को मजबूत करना है। इसी आशा विश्वास के साथ बड़ी संख्या में पधारे, हृदय के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय पूसाराम जी गोदारा विधायक रतनगढ़। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रतनगढ़ तारा नगर पंचायत समिति के प्रधान भाई संजय जी कछुआ को कि वो अपना उद्बोधन दे। भाई संजय जी कछुआ और आने वाले वक्ता सभी समय सीमा का ध्यान रखें। जो मंच के दोनों ओर जो पधारे हुए कांग्रेस के कार्यकर्तागण खड़े हैं, मंच के बाई ओर जो कुर्सियां खाली पड़ी उन पर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम काफी लंबा चलेगा। सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। राम राम भाइयों, आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक तारानगर विधानसभा क्षेत्र को एक शानदार दिशा देने वाले और राजस्थान के अग्रणी कांग्रेस के मुखिया माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, कांग्रेस लोकसभा छत्तर से प्रतिनिधि राहुल जी कसवा साहब, सभी विधायकगण, सम्मानित मंच एवं सामने बैठे हुए कांग्रेस के योद्धाओं, मैं छोटे से शब्दों में बात करना चाहता हूं
कि एक विकास पुरुष राहुल कसवा के रूप में भाजपा में थे। भाजपा सरकार के नेतृत्व को किसान की आवाज उठाने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए थे और उन्हें अपनी व्यवस्था से बाहर कर दिया। चूरू लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाले, चूरू लोकसभा क्षेत्र में विकास की गति को प्रदान करने वाले कांग्रेस के सभी नेतागण, माननीय किसान नेता नरेंद्र जी बुड़ानिया और सभी ने एक गति प्रदान करने के लिए गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में, माननीय अशोक जी गहलोत जी के नेतृत्व में राहुल जी कसवा को इस क्षेत्र में, जिन्होंने अपने आप को किसान की आवाज उठाने में वहां पर असक्षम पाने की वजह से कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं, और हमें उस विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लोकसभा क्षेत्र में भेजना है ताकि पूरे राजस्थान के किसान की आवाज उठा सके और हमारे किसान के व्यक्तियों को कंधे से कंधा मिलाकर किसान के कार्यकर्ताओं की आवाज लोकसभा में उठाते हुए इस क्षेत्र का विकास की गति को और तेज प्रदान कर सके। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और 19 तारीख को हमें पूरे बहुमत के साथ विजय बनाना है। धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे बीच बादरा विधायक, पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया, सादुलपुर की पूर्व विधायक श्रीमती कृष्णा जी पूनिया, सरदार सर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अनिल जी शर्मा, रतनगढ़ के विधायक श्रीमान फुसराम जी गोदारा, नोर से विधायक अमित जी चाचण हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इन भाई रफीक जी मंडेलिया चूरू से प्रत्याशी रहे, इन सभी का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं वक्ता के लिए आमंत्रित करूंगा पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया को कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। हाजी मकबूल मंडेलिया, पूर्व विधायक चूरू। साथियों, मंच के बाहर जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि वो सभा स्थल पर मंच के सामने पहुंचने का कष्ट करें। हमारे आरती लजीज और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासरा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय बाद हमारे युवा सांसद राहुल कसवा पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध, बैरिकेड सटाकर हमारे कार्यकर्ताओं को सभा स्थल तक आने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। हाँ, फटाफट ले, फटाफट ले, तो चिंता मत कर, दो ही बातों में चलाऊंगा। राम राम शाह, सलाम अलैकुम। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डोडासरा जी और सारे चूरू जिला लोकसभा क्षेत्र के सभी नेतागण, बड़ा लंबा चौड़ा मंच है, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, एक का लेऊंगा दो के नहीं लेऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तो सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, वक्त आ गया है जागने का, सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त आ गया है। आपको भली भांति मालूम है हमारे नेताओं ने खूब लंबी चौड़ी बातें कही है, सब तरह की आवाजें उठाई है। ये आवाज मैं दोबारा उठाना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे एक अपील करने आया हूं और अपील करता हूं कि आने वाले 19 तारीख को अगले महीने की वोटिंग है, उस दिन सुबह से लेकर शाम को 5 बजे 6 बजे तक इस तरह हमारे में जोश रहना चाहिए, वो जोश हमारे को काम आएगा और वो जोश आगे लेके जाएगा चूरू जिले को। मैं आपसे उम्मीद रखना चाहता हूँ, भली भांति राजस्थान के अंदर हमें सब जगह प्रचार करना है, राजस्थान में इंडिया गठबंधन सब जगह जीते, कांग्रेस सब पूरे हिंदुस्तान में जीते। आह्वान करता हूँ कि राजस्थान के अंदर आपसे अपील करता हूँ कि चूरू जिले की सीट कांग्रेस भारी मतों से जीत के जावे, एक नंबर जीत के जावे। मैं आपसे आशा और उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एलईडियां बंद पड़ी है, कृपया एलईडी वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है उनको चालू करने का कष्ट करें। और मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा कॉमनवेल्थ खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट और महिलाओं की आदर्श श्रीमती कृष्णा जी पूनिया, पूर्व विधायक सादुलपुर को कि वो आए और आकर अपना उद्बोधन दें। श्रीमती कृष्णा जी पूनिया और जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से कृष्णा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, मंचासीन सम्मानीय हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे लोकसभा प्रत्याशी राहुल कस्वां जी, सम्मानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया जी, सम्मानीय सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी, सरदारशहर विधायक सम्मानीय अनिल शर्मा जी, सम्मानीय रतनगढ़ विधायक उषाराम गोदारा जी, नोर से विधायक सम्मानीय अमित चाचाण जी, हमारे बीच में पूर्व सांसद सम्मानीय आदरणीय राम सिंह कस्वां जी, सम्मानीय बलवान जी पूनिया, सम्मानीय रफीक मंडेलिया जी, सम्मानीय खानू खान जी, जिला अध्यक्ष सम्मानीय इंद्राज जी, सबका मैं मंचासीन सम्मानीय सम्मानित मंच ही कह दूंगे के टाइम कम है वक्ता ज्यादा है और सुननियांगी भी कमी कोनी है कोनी, ताने सगला ने बहुत बहुत राम राम है। और थे जय उत्साह के साथ आया हो और जो थे निष्ठा राखी है के कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत जिता के भेजनू है, वो थाने जोर लगा के जिता के भेजनू है, यो निर्णय थे लेके आज आया हो और पल्ले गांठ बांध के थे जाओगा। कांग्रेस पार्टी में विधानसभा को चुनाव लड़ रहा, मैं सारा मारी बात बतानता कि कांग्रेस के करो 25 लाख रुपया तक को इलाज फ्री करांता, हर घर में ना जगह थैला पहुंच गया, बिजली फ्री कर दी है, ऐ तेरी कहूं सारी बात बतानता। और ऐसो कोई विधानसभा क्षेत्र को नहीं हो, मैं कामरेड जी भी बैठे हैं, मलवान जी भी मैं मिल के जानता, मैं हमारे रोड खराब है, मुख्यमंत्री जी दो आज राजगढ़ू लेके जुजनू लेके बादरा तानी कहूंगी मैं। मैंने तो ऐ तरीकों में काम करो, आज इंडिया गठबंधन की भी बात उ रहा है क्योंकि अपना कामरेड भाई भी उरे बैठे हैं, सगला थे बैठा हो। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी एक तो पैदल पूरे भारत ने आपके कदमा नापन को काम करो और हर वर्ग तक पहुंचने को काम करो, थे कहता वह तो चांदी की चम्मच खानिया है, लेकिन वे आदमी पैदल पूरो भारत नाप्यो और दूसरी यात्रा फिर चालू करी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कि हर वर्ग के साथ न्याय होए। बामे वे 5 ऐसा वादा बढ़िया वादा करें देश की जनताओं कि मारी सरकार बनावांगा, जब किसान के साथ न्याय हो, युवा के साथ न्याय हो, श्रमिक के साथ न्याय हो, महिलाओं के साथ न्याय हो और स्वास्थ्य का अधिकार हो, ये ऐसे वादे किए हैं जो देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। राज्य को थे काम देखो, ये बैंड दी नाम थे देख ही रहा हो, काम कुछ को नहीं हो रहा। तो कांग्रेस पार्टी गरीब की आवाम है, की आवाज सुनने वाली पार्टी और किसान कमेरे वर्ग थे सारा बैठे हो, मैं थारा सारा हूं यही उम्मीद लेके जावा कि भारी बहुमत हूं राहुल कस्वां जी ने थे जिता के भेजो। ज्यादा लंबे समय को नहीं लू क्योंकि बहुत सारा बोलनिया है, कही दियो हो के सम्मानित मंच बोलो तो मैं सम्मानित मंच हूं और आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूं कि कांग्रेस ने जीत आगे भेजो। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, कांग्रेस पार्टी धन्यवाद। मंच के भाई और जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, सीएम साहब हमारे बीच कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं, सारे विधायक लोकसभा क्षेत्र के हमारे बीच पहुंच चुके हैं, सामने जो महानुभाव खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कार्यक्रम आपकी आन बान और शान का प्रतीक है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दे और उन कुर्सियों पर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा मंगेश जी चौधरी, कॉम्रेड प्रत्याशी, कम्युनिस्ट प्रत्याशी इंदौर। एक मिनट,
जो स्टेज पे पीछे युवा साथी खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के नंबर निवेदन है, आप सामने आ जाएं। स्टेज पे बहुत से गणमान्य लोग हैं, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, कृपा करके आप सामने आके बैठ जाएं। युवाओं से यही आशा रहती है और व्यवस्था का पालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े भाई राहुल कुशवाहा की नामांकन सभा में आए हुए तमाम किसान नौजवान विद्यार्थी साथियों और आज के इस मंच पर तमाम सम्मानित मंच कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मुखिया गोविंद जी डोटासरा साहब, हमारी पार्टी के राजस्थान राज्य कमेटी के मेंबर और किसानों के नेता बड़े भाई कामड़ बलवान पुनिया। साथियों, ये जो चुरू लोकसभा का चुनाव है ये पूरे हिंदुस्तान की दशा तय करने वाला चुनाव है। ये चुरू लोकसभा का चुनाव इस बात को तय करेगा कि पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के जो लोकतंत्र को जिस प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया है, हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ने का प्रयास किया है और जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के सरकारी ढांचे को बेचने का प्रयास किया है, उसको बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुरू लोकसभा से ये अलग उठनी चाहिए। और माननीय श्रीमान मोदी जी जो बात कहते हैं कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बैठो कुर्सियों ही छोड़े को नहीं सरकारी सो समान बेच सीधे करे करो आगे। तो एक असर जरूरी चीज आ है कि इस समान ने घरे बिठाओ, नहीं तो रेलवे एयरपोर्ट सरकारी सड़क सरकारी बस यानी सो अड़को टाटा बिरला डालमिया अंबानी का हाथ में देसी। एक असर निवेदन है कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने छोटे मोटे जो मतभेद है उनको भुला करके हिंदुस्तान को बचाने के लिए माकपा सीपीएम आरएलपी आम आदमी पार्टी सब लोगों को एकजुट होकर के देश को बचाने के लिए इस लोकसभा के चुनाव में लगना है और हिंदुस्तान को बचाना है। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मंगेश जी चौधरी, प्रत्याशी सीपीएम नौर विधानसभा क्षेत्र। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। उससे पहले मैं स्क्रीन वालों से बार बार निवेदन कर रहा हूं, आपके स्क्रीन बंद पड़े, पब्लिक परेशान हो रही है, कूलरों के पास जो ये कार्यकर्ता खड़े इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया बैठ जाए, आपके पीछे भी कार्यकर्ता है उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है कूलरों के पास जो कार्यकर्ता, आप हमारे सर के ताज हो, आपका ये कार्यक्रम आपका सहयोग आपका स्वागत अभिनंदन, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया कूलरों के पास खड़े हो बैठे। और मैं आमंत्रित करूंगा भाई रफीक जी मंडेलिया को कि वो अपना उद्बोधन दे। राम राम साहब, आज की सभा में मंच पे विराजमान हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और आप सबके लाडले राजस्थान में आम आदमी चाहने वाले गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और मंच पे विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के विधायकगण और सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए हमें आशीर्वाद देने वाले मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, देखो भाईड़ा ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो करूंगा नहीं, पर आज आते कर दी थे कि राहुल कुशवाहा लोकसभा में जाएगा उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या दासी कौन दासी आप बता दो, जाएगा ये चैलेंज है। अध्यक्ष जी आज सीट तो फैली थी, बाकी की थे जानो थारो काम जाने, लेकिन चूरू का आवाम ने सोच लिया है कि राहुल कुशवाहा लोकसभा में जाएगा। अब दो तीन बातें करूंगा छोटी छोटी। लोगों का मेरे को फोन आ रहा, कह रहे भैया थे तो राहुल कुशवाहा जी थे तो हम सामने चुनाव लड़िया थे क्या सागो हो सो। मैंने एक ही जवाब दिया कि वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और मैं मेरी पार्टी से चुनाव लड़ता था और हमने जब चुनाव लड़ा एक फ्रेंडली मैच जैसा लड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे हाई कमान फैसला करके जो भी उम्मीदवार भेजा, चाहे वो बीजेपी से आया हो चाहे वो कांग्रेस से हो, हम उनका स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों से पुनः अपील करना चाहता हूं कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की
लीड राजस्थान के अंदर नंबर वन रहेगी, तब आपकी और हमारी सबकी इज्जत बनेगी। और हमारे राम सिंह जी ने बेरो पटना चाहिए कि 10 साल पहले आ जाता मैदान, पहले लड़ा देता, अने वो सम्मान करके दिखा दो कि जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में है वो दूसरी पार्टी में नहीं है। अब वो सम्मान कद रहसी कहने 5 लाख वोटों जिता के भेजा मैं को राम सिंह जी 5 लाख तो माला है और 5 लाख थला है, 10 लाख वोट एक हो गया तो कूड़ा रानी है आप बताओ दे अरासी के कोई नहीं हरा सकता। और पुलिस वालों से मेरी अपील है कि उनको मैसेज करे कि हमारे जनता का जो जाम लगा हुआ रास्ते के अंदर वो जाम को खुलवाने की कोशिश करे। अरे इन तो बेईमानी मत करो तो जीत सी राहुल कसो और डटे कोनी कडरसी के चाहे जाम लगा दो चाहे रास्ता रोक दो राहुल कसवा नहीं डटेगा। आप लोग आए और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल कसवा सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा और आप जिता के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रफीक जी मंडेलिया। जो एलईडी नहीं चल रही है लेट चल रही है उनको कृपया सेट करें। संघर्ष है जिसकी पहचान और बलवान पुनिया जिसका नाम भादरा के पूर्व संघर्षशील विधायक भाई बलवान पुनिया को आमंत्रित करूंगा कि आप लोगों से रूबरू हो। आज की इस चूरू लोकसभा के नामांकन सभा में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, हमारे सीपीएम के यहाँ के सेक्रेटरी भाई निर्मल प्रजापत और मंच पर सम्माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, चेयरमैन, प्रधान और तमाम किसान नौजवान साथियों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में आए। डोटासरा जी, गांव में बिल्ली भी आ गई, बिल्ली का छोटा छोटा बच्चा नारा लगाने लग गया मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। गांव को सरपंच सारे गांव ने भेड़ो कर लियो और फिर कोई एमएलए ने बुला लियो। एमएलए देखियो बिल्ली का बच्चा मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं, बाप फिर राठौड़ साहब ने बुला लिया। अब राठौड़ साहब राजसमुंद टिकट ले आने गए, बन 4-5 दिन लग गया। जी आई राठौड़ साहब आया और वे बिल्ली का बच्चा बोलिया मोदी मुर्दाबाद। बे आपके आदमियान बड़ो भारी ओल मोदी हो क्या थे तो क्या बिल्ली का बच्चा जिंदाबाद कह रहे हैं, ए बच्चा तो मुर्दाबाद बोल रहे हैं। बे बोलिया साहब पहली आगी आंख बंदी री बांगी आंख खुल गई। भाइयों भाषण तो इतो ही है, आंख खोलो और मोदी न रहो जगह बंद आंख का लोग मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं। बन मैं कहना चाहूं वोट करन जाओ जागनी वीर याद करियो, वोट करन जाओ पुलवामा याद करियो, वोट करन जाओ नोटबंदी याद करियो। अरे किसान वोट करन जा फसल बीमो याद करे, किसान वोट करन जा जब मंडी का भाव याद करे, किसान वोट करन जा काला कानून याद करे, किसान वोट करन जा तो अब पेलेट गन याद करे तकी काल पर चूचू चलाई। जब वोट करन जा किसान नौजवान तो बे अग्नि वीर थारे याद आना चाहिए जकी ए बुढ़ानिया जी आ गया अपने बीच में। अब बुढ़ानिया जी मोरिया बुलाए बिना कोरे नहीं। भाइयों सुबह सुबह बुढ़ानिया जी मैं मिला, मैं देखांगा पैर थोड़ा थोड़ा खराब हो रहे। अब मैं कह बुढ़ानिया जी थारे पैर आगे क्या हो गयो, बोले मोर का पैर सही को नहीं हुए, मोर ऊपर सुनो हुए दूसर मोरिया बुलाना है। दोस्तों आज चूरू लोकसभा मेकाल सीकर में इंडिया गठबंधन में सीपीएम का
कैंडिडेट अमरा राम की सभा में चुरू की बात शिकर के लोगों ने आश्वासन दे के आया कि मैं चुरू जीतूंगा। और डोटासरा जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जरूर आपकी राजस्थान में सरकार नहीं होगी, पर एक मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण आपको अभी भी करवाना पड़ेगा, चाहे आप और हम मिलकर के चंदा करके करवाएं। एक तो यहाँ के बड़े सारे चूरू के नेता, एक मारा बहादराम विधायक, वह दोनों बावड़ा हो गया, बंदनाला हो रहे हैं दोनों का, दोनों बावड़ा बंदन को प्रबंध भी करना है। लेकिन वो प्रबंध पहली 19 तारीख तक चुनाव लड़ांगा। मैं आए सारे लोगों कहना चाहूं, मोदी और सागा तीन गुंडा देश में आज भी आवी है। आम आदमी पार्टी का लोग आज अब महसूस करता होगा कि बांगो चुनेड़ो मुख्यमंत्री जेल में है। आज हेमंत सोरेन का परिवार, झारखंड का आदिवासी परिवार, आज भी इस बात का दुख मना रहा है कि मोदी ने उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, 19 तारीख तक हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से आप कांग्रेस के निशान पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कुशवाहा को जिताएंगे। 19 तारीख शाम 6 बजे तक चैन की सांस नहीं लेंगे। हाथ खड़े करके समर्थन करो, सारे लोग मजबूती से जिताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बलवान जी, पूनिया पूर्व विधायक भादरा। मैं आमंत्रित करूंगा नौर विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक और सबसे युवा विधायक भाई अमित जी चाचाण को कि वो आए और समय सीमा को ध्यान रखते हुए अपना उद्बोधन दे। हमारे बीच नरेंद्र जी बुढ़ानिया पहुंच चुके, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और उद्बोधन के लिए अमित जी चाचाण। आज चूरू में राहुल कुशवाहा जी की इस विशाल नामांकन रैली में मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, किसानों के नेता, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी राहुल कुशवाहा जी, तमाम मंचासीन विधायकगण, पूर्व विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और सामने विराजमान चूरू लोकसभा के प्रत्येक गांव डाणी से आए हुए कांग्रेस पार्टी व इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों के आए हुए कार्यकर्तागण, आने वाला 19 अप्रैल का यह चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव देश की स्वतंत्र एजेंसियों का बचाने का चुनाव है। यह चुनाव किसान और किसानी को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव युवाओं के उज्जवल भविष्य को बनाने का यह चुनाव है। यह चुनाव छोटे व्यापारी और मजदूरों को बचाने का चुनाव है। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से पूरे भारत में, देश में बैठी तानाशाह सरकार ने देश की एजेंसियों को बेचने का काम किया, जहां जो स्वतंत्र एजेंसियां थी जिन्हें पूरे भारतीयों को गर्व हुआ करता था, आज वो एजेंसियां इस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। आज पूरे देश के अंदर चूरू लोकसभा चुनाव पे नजरें टिकी हुई है और देश की जनता जानना चाहती है कि चूरू लोकसभा के तमाम मतदाता क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज ये जन सैलाब उमड़ा है, आप सबने साबित कर दिया है कि चूरू लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों के साथ चूरू से जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से 5 वर्षों तक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और गोविंद डोटासरा ने कंधे से कंधा मिलाकर चला, राजस्थान की जनता के दुख दर्द के साथ ही रहे, अनेकों अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम उन योजनाओं को बंद करने का काम किया, तो उन जितने भी हमारे विकास के कार्य थे उसको रोकने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया है। और पूरे क्षेत्र की जनता ने यह मन बना लिया कि तानाशाह सरकार को 19 अप्रैल के दिन वोट के माध्यम से हम जवाब देंगे और तानाशाह सरकार को चूरू लोकसभा ही नहीं पूरे देश में उखाड़ने का फैसला किया है। समय का अभाव है, मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं और डोटासरा जी को, राहुल कुशवाहा जी को, तमाम नेताओं को ये विश्वास दिलाता हूं, इस बार नौहर विधानसभा क्षेत्र से 50,000 से अधिक मतों की लीड राहुल कुशवाहा जी को दिलाकर भेजेंगे और चूरू लोकसभा से राहुल कुशवाहा जी भारी मतों से जीतकर दिल्ली के संसद में जाएंगे। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित जी चाचा, लोकप्रिय विधायक नौर। सामने जो महानुभाव खड़े उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है,
कि कृपया चंदी पलो के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। सभी कृपया पंडाल में बैठकर इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने में अपना योगदान दें। और मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा सुजानगढ़ के लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय भवनलाल जी मेघवाल के सपुत्र भाई मनोज जी मेघवाल को, कि जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से भाई मनोज जी मेघवाल का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। और उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं लोकप्रिय विधायक मनोज जी मेघवाल सुजानगढ़। आज की नामांकन रैली में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जवान अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, यहाँ आप और हम सब जिनके लिए आज आए हैं, हमारे चुरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सम्माननीय राहुल जी कसवाहा साहब, मंच पर बैठे मेरे सभी साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, चुरू की कांग्रेस की चलाने वाली पूरी टीम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे सभी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के कार्यकर्तागण और पत्रकार बंधु, आज आप और हम सब लोग राहुल जी का फॉर्म भराने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। और जो 19 तारीख को चुनाव हो रहा है, इसमें एक ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए अपन लोग यहां, आज जो आगाज हुआ फॉर्म भरने के साथ, 19 तारीख तक यूं ही जोश आप लोगों का बना रहे, जिस तरह का जोश इस समय आप लोगों का दिख रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आप उपस्थित हो और इससे भी ज्यादा संख्या में लोग बाहर सड़कों पर जाम में फंसे हुए हैं। मैं भी अभी जाम से निकल के आया हूं, जितने आप बैठे नहीं है उससे ज्यादा बाहर सड़कों पर गाड़ियों में और बसों में बैठे हैं, बसें तो लाइनें लगी हुई हैं, अभी पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। इतनी संख्या में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग आए हैं और इसलिए आए हैं कि एक दूसरे को देख ले, पहचान ले और उसके बाद आज निकले, तो अगले जो 25 दिन है उस दिन अलग जगह दे। आप लोग गांव गांव ढाणी ढाणी तक आज जो संदेश हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी दे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दे, या पूरे इंडिया गठबंधन के या नेता बैठे हैं, सीपीएम के बैठे हैं भाई बलराम जी पूनिया साहब बैठे हैं, आरएलपी के नेता बैठे हैं, पूरे इंडिया गठबंधन के नेता बैठे हैं, जो संदेश दे उस संदेश को आप लेके जाए। ये लोकसभा का चुनाव है राहुल जी, हर गांव गांव नहीं जा सकते, हर पंचायत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र है, 1400-1500 गांव लोकसभा क्षेत्र में है, उनके लिए जाना संभव नहीं है, पर आप और हम लोग तो गांव गांव जा सकते हैं, गली गली जा सकते हैं, ढाणी ढाणी तक पहुंच सकते हैं, घर मोहल्ले तक पहुंच सकते हैं, और वहां जाके जो हमारे नेताओं का संदेश है वो संदेश दें और उनको बताएं कि इस बार इस मोदी जी की सरकार को उखाड़ के फेंकना इस देश से, बहुत समय हो गया 10 साल झेल लिए, जिस 10 साल पहले आप लोगों ने 2 करोड़ नौकरी का वादा करके युवाओं के साथ छलावा किया है, अब समय आ गया है कि आप लोगों को घर बिठाया जाए। सबसे ज्यादा आज कोई परेशान है तो युवा वर्ग है, नौकरियां हैं नहीं और जो थी उनको खत्म किया जा रहा है, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, निजीकरण कर रहे हैं, कहां से हमारे युवाओं को रोजगार आएगा, BSNL को बेच दिया गया है कहां से रोजगार आएगा, एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया है कहां से रोजगार आएगा, बैकडोर से हर जगह एंट्री हो रही है कहां से रोजगार आएगा, और सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को और दलित भाइयों को हो रहा है कि जिनके लिए नौकरी ही एकमात्र वो सपना है, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे, उनके लिए दूसरा अवसर नहीं, और इसलिए समय आ गया है कि सरकार को अब उखाड़ फेंके। अग्निवीर योजना के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया, इसलिए सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि अब समय है इस सरकार को बदलना है, और शुरुआत इस चुरू लोकसभा क्षेत्र से करनी है। यह क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर से लगता है और विश्वास कीजिए पिछले 2 बार में तो चीट नहीं आई, पर इस बार इस हरियाणा बॉर्डर से लेकर गुजरात बॉर्डर मोदी जी तक कांग्रेस की लहर चलने वाली इस लोकसभा चुनाव में, और जो सूखा 2 चुनाव का वो भी खत्म होगा, और इस चुरू जिले का, इस चुरू विधान लोकसभा क्षेत्र का जो 25 साल का सूखा है वो भी अब खत्म करना है। आप लोगों को 25 साल से अपना MP नहीं बना, अपन लोगों के वोटों में कमी नहीं है कांग्रेस के गठबंधन में,
और इस बार तो गठबंधन है, सीपीएम भी है, आरएलपी भी है, और भी पार्टियां अपन लोगों के साथ में है। अपन लोगों के प्रधान भी बनते हैं, प्रमुख भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं। आज 8 में से 5 एमएलए कांग्रेस के हैं, पर कहीं न कहीं अपन लोग लोकसभा चुनाव नहीं जीत नहीं पाते। और कारण, पहले राम सिंह जी थे, उसके बाद में इनके बेटे राहुल जी आ गए, पर अब ये तो दोनों अपने पास बैठे, दोनों अपने पास बैठे, तो अब अपने पास कमी किसकी है? अब कमी नहीं है, तो अपन लोगों को इस बार इस कमी को भी पूरा हो गया, तो इस लोकसभा चुनाव में जो जीत है उसको भी पूरा करके, और जो अपना 25 साल का है उसका सोका खत्म करना है। आदेश हो गया कि समय का सीमा है, इसलिए मैं आप लोगों से ये विदा लेते हुए पुनः सबसे आह्वान करता हूं कि आप लोग गली गली गांव डांव जाकर इस लोकसभा क्षेत्र में इस बार अपने नेताओं का संदेश कांग्रेस को जिताए। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हेलो 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 हमारे बीच राजस्थान के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके राजस्थान के अंदर गांव गांव और ढाणी घर घर में जिसकी पहचान अशोक गहलोत है, उसका नाम हमारे बीच पहुंच चुके हैं, माननीय अशोक जी गहलोत का, सुखजिंदर सिंह जी रंधावा प्रभारी राजस्थान, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, हमारे राजस्थान के प्रभारी श्री रंधावा जी और राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे लाडले कांग्रेस प्रत्याशी श्री राहुल कस्वा जी के साथ राजस्थान के ऊर्जावान मुख्यमंत्री राय श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस सही, कांग्रेस सही, राहुल कस्वा, राहुल कस्वा, राहुल गांधी। कृपया जो बाहर खड़े हैं कांग्रेस के ऊर्जावान कार्यकर्ता, जिले जिले गांव गांव ढाणी ढाणी से आए, कृपया सभा स्थल पर पहुंचे। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोडसरा जी, रंधावा जी आपके बीच पहुंच चुके हैं। कृपया सभा को सुनने के लिए आप अपने स्थान ग्रहण करें। जो भी जो महानुभाव बाहर खड़े हैं कृपया अंदर पधारे। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए चूरू लोकसभा क्षेत्र के गांव गांव और ढाणी से पधारे सभी सम्मानित कांग्रेसजनों से निवेदन है कि पंडाल के अंदर आकर अपना स्थान। हेलो 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 हेलो, मैं आमंत्रित करूंगा सरदारपुर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अनिल जी शर्मा को कि वह और आकर समय को मद्देनजर रखते हुए अपना उद्बोधन दे। अनिल जी शर्मा, विधायक सरदार सर। सबसे पहले आप सबने होली का बहुत बहुत घना घना राम राम सा। आज की ये विशाल नामांकन सभा में आशीर्वाद देने पधारिया प्रदेश का गांधी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी सम्माननीय सुखजिंदर जी रंधावा साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लोकप्रिय ऊर्जावान और मौर्य बुलाने में विशेषज्ञ माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, अपना लोकसभा का प्रत्याशी भाई राहुल जी कस्वा जी, समय बहुत कम है, सम्मानित मंच, मेरे से पहले सारा वक्ता था ने काफी सारी बात बता दी और आपने वरिष्ठ नेताओं ने बीकानेर भी पधारनो है। मैं नेतागणा ने कहना चाहूं कि आज की विशाल कार्यकर्ताओं की भीड़ है,
और 10 किलोमीटर रोड पे भी सोशल मीडिया में आ रही है 10 किलोमीटर तक जाम लग रही है, इतना ही कार्यकर्ता बारे रोड पर है। तो निश्चित रूप हूं चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता कार्यकर्ता तय कर लियो कि भाई राहुल कुशवाहा लोकसभा में जाएंगे। अब बात एक ही है, आपने चूरू लोकसभा में विपक्षी पार्टी भाजपा कोई मुकाबलो को नहीं। अध्यक्ष जी मेजी का मंच पर बैठे ना नेता, अब मुकाबलो मारे में आपस में। अब भाई अमित चाचान अभी कह रहे हो कि मैं 50,000 वोट हूं नौ लीड कर सू, तो मैं थाने भरोसा दिलाना चाहूं कि पूरा लोकसभा क्षेत्र में सरदार शहर नंबर एक रेसी वो चैलेंज है, थाने भरोसा दिलाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल जी शर्मा, लोकप्रिय विधायक सरदार सर। अब हमारे बीच वरिष्ठ किसान नेता और कई बार सांसद, कई बार राज्यसभा के सदस्य और कई बार विधायक, तारानगर के लोकप्रिय विधायक माननीय नरेंद्र जी बुढ़ानिया को आमंत्रित करूंगा कि वह और आकर आप लोगों से रूबरू हो। भाई नरेंद्र जी बुढ़ानिया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और राजस्थान के इंचार्ज श्री रंधावा साहब, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई राहुल कुशवाहा जी, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से 5 विधायक और 3 विधानसभा लड़े हुए हमारे साथीगण, स्टेज पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, मेरे को हेलो साथियों, मैं अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं, काम कर दोगे, काम कर दोगे, सब उलझे हाथ करके बताओ काम कर दोगे। ये देख लो अशोक जी, रंधावा साहब, ये सब लोग तैयार हैं। एक युद्ध इन्होंने लड़ा था इस लोकसभा क्षेत्र ने, दूसरा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है ये जनता। ये चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलने देगा, बिल्कुल चलने नहीं देगा। साथियों, तारानगर से शुरू हुआ और यह युद्ध पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। आपने जो लड़ाई लड़ी वो ताकत पड़ेगी। साथियों, क्या हम लोग किसी एक व्यक्ति के कहने से जिंदा रहेंगे? अरे रहेंगे, मेरे कहने से रहोगे, मेरे कहने से चलोगे, मेरे कहने से आप सब कुछ करोगे, क्या सहन करने वाले हो आप लोग? शेर है मेरी जनता, ये शेर है शेर, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं, कांटा निकाल दोगे, ये सब तैयार है मेरी फौज, ये लोकसभा क्षेत्र की फौज सारी की सारी तैयार है राहुल कुशवाहा जी को
ये लोकसभा क्षेत्र इतने वोटों से जिता के भेजेगा कि मोदी जी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। जो किसानों पे, नौजवानों पे जो जुल्म ढाए हैं, ये सारा का सारा बदला लेंगे। साथियों, अशोक गहलोत जी हमारे बीच में बैठे हैं, अरे इनकी योजनाएं याद आ रही है कि नहीं? अरे इनकी योजनाओं की बात कर रहे हैं कि नहीं लोग? साथियों, सारी की सारी हमारी योजनाओं पे पानी फेर दिया, लेकिन लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं है, हम ये लड़ाई शुरुआत की है। मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब को, रंधावा साहब को, कि ये पहला मौका है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस एक मंच के ऊपर विराजमान है, एक मंच पे विराजमान है। मैंने बहुत चुनाव लड़े, दो तीन दिन चार दिन तो मनाने में लगते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते, लेकिन इस चुनाव के अंदर हम सब लोग आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से हम सब लोग एक होकर के काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप 19 तारीख को, एक बात कहना चाहता हूं, ये जन सैलाब मैं भी 2.5 घंटे से पहुंचा हूं आपके बीच में, आप देख लीजिए कितने लोग सड़कों के ऊपर हैं। साथियों, आज का ये ट्रेलर परिणाम में बदलना चाहिए, परिणाम में बदलना चाहिए ट्रेलर। कल कुछ लोग रो रहे थे यहां पे, कुछ लोग सफाई दे रहे थे, अरे ये सफाई चलने वाली नहीं है, ये सफाई समझ गए? 40 साल से ये चुरू लोकसभा क्षेत्र झेल रहा है, अब ये झेलने वाला नहीं है। अरे तारानगर में नहीं, चुरू लोकसभा क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में जगह नहीं मिलेगी बैठने को, यही बात कहना चाहता हूं। साथियों, एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई को ताकत से लड़ना है। लड़ोगे कि नहीं? ताकत से लड़ोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वरिष्ठ किसान नेता भाई नरेंद्र जी बुडानिया, तारानगर विधायक, हमारे बीच राजस्थान के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम सम्मान्य अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा हमारे बीच मौजूद है, और स्वागत सत्कार की जैसी परंपरा है, धरती पुत्र किसान के बेटे और किसानों के लाडले राजस्थान विधानसभा में गूंजने वाले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम सम्मान्य अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करता हूं शब्दों के माध्यम से, और महामंत्री करता हूं गोविंद सिंह जी डोटासरा को। हेलो हेलो, आज की बारात का बीन राहुल कसवा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र जी बुडानिया साहब, MLA तारानगर, राम सिंह जी कसवा साहब, MLA पूजाराम जी गोदारा साहब, MLA अनिल शर्मा जी, MLA अमित चाचान जी, MLA मनोज मेघवाल जी, मेरे साथ MLA रही पूर्व MLA कृष्णा पूनिया जी, निर्मल प्रजापत जी, और किसानों के नेता हमारे बलवान पूनिया जी, मकबूल मंडेलिया साहब, रफीक मंडेलिया जी, जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ जी, मुश्ताक खान साहब,
रामजीलाल शर्मा जी, चेयरमैन नगर परिषद पायल सैनी जी, हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता कुमाराम जी आर्य साहब की पुत्र मधु सुचित्रा आर्य जी, मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राम सिंह कसवा जी, दिनेश कसवा जी, तमाम सारे के सारे मंच पे बैठे हुए तमाम नेताओं को साथ लेते हुए सबसे पहले आप सब लोगों का जो हमको मंच में बैठाने का काम करते हो इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई जी वो चुनाव तो मंडगो, और मंडगो नहीं हो तो यहां को मंडगो क्या, मोदी जी ने रात में नींद को नहीं आवे आज छोटकन तो पहली को नहीं आवे तीन चार मनाऊ मोदी जी वाली नींद गायब हुई आज। मैं एक बात थाने कहना चाहू आ नौबत क्यों आई, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कुशासन ने लोग झेल रहा, किसान परेशान, नौजवान परेशान, गृहिणी महंगाई से परेशान, विद्यार्थी पढ़वा की व्यवस्था नहीं होने से परेशान, आपने सेना के ऊपर बॉर्डर के ऊपर जगह देश की रक्षा के लिए सीने में गोली खाने के लिए तैयार रहता, वे आपकी नौकरी बचाने के लिए परेशान, और आज पूरे देश में आतंकवाद एक तरीके से हावी, तानाशाही, हिटलर शाही, और वे तो करें जगह करें अठारह लोकल नेता भी तानाशाही करे लगा, भी तानाशाही को कटको काटनो है भाई जी। मोरिया तो भूल गया विधानसभा में, अब तो कटको ही काटना का लोकसभा के मायने। मन एक बात बताओ, ए लोग किसाना से अति नफरत क्यों करे, किसान कौम से अति नफरत क्यों करे, ई बात को सीधो सीधो जीतो जाग तो उदाहरण है, 3 काला कानून लाया, किसाना ने 15 महीना तक बटे खून का आंसू रुलाना पड़ा, हुआ कोनी परेशान सारा किसान, 3 काला कानून वापिस 15 महीना बाद में लिया, और 15 महीना बाद में लेने के बाद में एक लिखित समझौतो करियो देश के सामने, देश को प्रधानमंत्री हाथ जोड़ माफी मांगी और लिखित में समझौतो करियो कि किसान का जकी एमएसपी को कानून है वो एक कमेटी बनाऊं, री कमेटी के बाद के मायने मैं इन्हें लागू कर देसू, किसाना की समस्या को समाधान कर सिया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जकी है बा आपा लागू करांगा। 22 महीना इंतजार करने के बाद में जब चुनाव आने लग गया तो किसान भाई आप सब लोग बे लोग पूछो कि मोदी जी थे जो थारा मंत्री के साइना से जगह किसाना के लिए थे एमएसपी के कानून की बात करी, किसाना की समस्या के समाधान की बात करी, बाको काई हुयो तो मोदी जी कहो थारे याद आवज की करो, आ याद आई मोदी जी को जवाब 19 अप्रैल और 26 अप्रैल ने राजस्थान का किसान नौजवान और 36 कौमों का लोग देने के लिए तैयार है। आज किसान दिल्ली जावे आपकी लिखित समझो तो मनाबा के लिए, तो मोदी जी की सरकार पुलिस ने तान दे कीला लगा दे, किसान आतंकवादी कहवे, बने गुंडा कहवे, मवाली कहवे, और जको किसान धूप में बरसात में जमीन को सीनू सीर और सब लोगों के देश के लोगों को पेट भरवा को काम करे, भी किसान को अपमान करवा को काम करे, और आई नहीं जको किसान राजनीति में है, चाहे वो गोविंद डोटाचरा है, चाहे राहुल कसवा है, चाहे 36 कोमा का कोई भी भाई जो किसान की बात करे, बिना भारतीय जनता पार्टी कुचलबा को काम करे, अरे को जीतो जाग तो नमूनो है राहुल कसवा की तरीके से टिकट काटी। राहुल कसवा में एक ही कमी ही के राहुल कसवा था के आशीर्वाद से एमपी बने हो, कोई एक या दो नेता का आशीर्वाद से कोनी बनेड़ो, वो नीचे झुकियो कोनी, अरबिन झुकावा के लिए प्रयत्न करिया, अरे मोटियार नहीं कुछ झुकियो ने जना की टिकट काट दी, लेकिन भी टिकट को तो अब गाला भरोसा कोनी हो राहुल जी की टिकट की गारंटी आ कांग्रेस वाली टिकट है ने, आने लोकसभा में पहुंचा देसी
अब बात सही कह रहे बुढ़ानिया साहब के सफाई देता घूमे क्यों भाई है कि नौबत क्यों आई कणा कणा पानी भी आवे आंखिया में आवे ने क्यों है कि नौबत क्यों आई भाई के मैं 6 फुट 2 इंच को नेता हूं भाई जी 6 फुट और 2 इंच से एमपी एमएलए को नहीं बने ए बोटी की नहीं जाने मिन खागी जना एमएलए बने लंबाई तो इसलिए काम आओ टेंट आला है ना टेंट आला ए टेंट बान बाने फित्ता कर से आ जाना स्टूलर निसरनी लगावा अगर ज्यादा लंबाई है तो वह निसरनी मत लगाओ थे ही फित्ता कस दियो लंबाई काम को नहीं आवे जनता को आशीर्वाद काम आवे और जको नेता 36 कोमा ने सागे लेर चाले भी 36 कोमा को आशीर्वाद है वो नेता बने वो एमएलए और एमपी बने भाई जी आज निमड़ा बोलबा ला गया है नहीं तो के बोलिया के नहीं बोलिया भेरो है के थाने मारे लक्ष्मणगढ़ में जार बोलिया गोविंद डोटासरा को परिवार बिकी बहु कुण से चक्की को आटो खायो मैं कियो चूरू जिले की चक्की को आटो खायो अब बुझबो रहेगा बात करबो बंद कहेगा केवल भावनात्मक अपील करे कि मैं की के काम को नहीं आयो नेताजी मैं थाने बुझबो चाहू 7 बार एमएलए चूरू की जनता बनायो थे जायड़ा जलमेड़ा दूसरे जिले का और जनता चूरू की आशीर्वाद दे 7 बार मंत्री विधायक बनाने को काम करियो आके पान नेता बनिया मैं गोविंद डोटासरा हो चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे राम सिंह कसवा जी हो चाहे जत्ता भी नेता बैठा है चाहे अशोक गहलोत जी हो तमाम नेता जनता के आज का आशीर्वाद बना नेता को नहीं बना काम ज्यादा बताबा की आवश्यकता कोनी थे से समझेड़ा हो और थे से काटो काट बाने आयड़ा हो बीजेपी के उम्मीदवार को थे एक बात बताओ भाई जको आदमी जको व्यक्ति खेल के मायने दुनिया में आपनो नाम रोशन कर रहे हो और राहुल कसवा राजनीति में आपनो सिर ऊंचो कर रहे हो अरे जरूरत के पड़गी आकी हिम्मत की होगी कि जको आदमी खेल में काम कर रहे हो भी ने तो राजनीति में और राजनीति में काम कर रहे हो भी ने घर बैठ जा काका जी को भाड़ो है आ घर की खेती है जो मूली जच्चा जी उपाड़ लियो और जच्चा जना बीज गोदियो आ जनता जनार्दन है नेताजी ध्यान कर लियो टेम है आज भी सुधर जाओ हाथ जोड़ चूरू की जनता से माफी मांग लियो के बेरो 5 साल बाद में दोबारा मोड़ी आ जाए अगर इस तरीके से एम और अहंकार से लोगों ने किसान के बेटा ने कुचड़बा को काम करोगा तो मैं थाने कह जाऊं चूरू की धरती पर कदे जिंदगी के मायने जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जेलो जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जेलो इसलिए मैं थाने एक निवेदन करना चाहूं किसाना के लिए इससे बढ़िया कोई मौको नहीं है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आरएलपी आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तमाम दलों का लोग एक इंडिया गठबंधन बनायो और राहुल जी और खड़गे साहब और सारा नेता मिलर फैसलो करो कि मोदी सरकार ने भगानी है जका ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को दुरुपयोग करे जका लोगों ने प्रताड़ित कर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेवे जका काम के बदले धंधो करे और काम के बदले जो चंदो ले और दूसरे बनेड़ी सरकार ने गिराबा को काम करे बा लोगों को खात्मो जरूरी है बा को कुशासन हटाबा के लिए आज गहलोत साहब रंधावा साहब चूरू की धरती पर 36 कौम का लोग एक किसान बरादरी का लोग बुजुर्ग युवा महिला माता बहना सारा ऐलान करवाना आया है कि चूरू से ऐतिहासिक मता से राहुल कसवा जीत लोकसभा के मायने जाए लो लोकसभा में जाए लो कोई के बैक का बाबा की दरकार को नहीं है बोला दिन होगा फड़फड़ाट करता अब वो फड़फड़ाट मिट को गण करो तो अरे लोकसभा चूरू को रिजल्ट आ जाए राहुल कसवा जीते को
पूरो को पूरो फड़फड़ाट मिट जाएगा भी के बाद में थाने को 12-6 महीना ने ब्याह सावे में नजर आवेगा नेताजी बाकी कठे नजर को नहीं आवेगा। इसलिए सब लोगों ने एक ही निवेदन है हेलीकॉप्टर उड़नो है। गहलोत साहब रंधावा साहब भी बोलेगा और राहुल कसवा भी बोलेगा माने 2:30-3 बजे एनी हाउ पहुंचना है भाई जी, क्योंकि गोविंद राम जी भी बैठे नामांकन भर रहा है, बाकी भी अति बड़ी सभा है आज ऐतिहासिक सभा जकी थे। आज नामांकन राहुल कसवा जी के लिए आया हो मैं थाने सैने 36 कोमा के लोगों ने सलूट करूं प्रणाम करूं और गोविंद डोटासरा हमेशा आपके लिए तैयार मिलेगा। रात को बतला लेना दिन में बतला लेना और जब कह देना कि गोविंद डोटासरा आपकी जरूरत है गोविंद डोटासरा आपके बीच में हाजिर मिलेगा। 1.5 घंटे का रास्ता है ज्यादा रास्ता नहीं है लेकिन ध्यान रखना सावधानी रखनी है। राहुल कसवा ने अति ज्यादा वोटा से जिताणु है कि 1 रात 2 रात 3 रात नहीं पूरे 5 साल सत्ता गमाने के कारण से मोदी जी ने अमित शाह ने नींद नहीं आवे यहां को जाप तो चूरू से करने को काम कर जो कर दोगा जचा दोगा। पहली मैं पहल यो फाइल सल्टा हो बात होती सल्टा दी काटो काट देसियो अरे बोलीगा बे मैं बोलगा नहीं अब दोबारा नाम लेबा की दरकार है गे बे अत्ता जोर से बोलिया अत्ता जोर से बोलिया के पांखड़ा भी लाद लिया कोनी। आप सब लोग आया आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय कांग्रेस जय इंडिया गठबंधन धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा वर्तमान सांसद युवाओं के दिलों की धड़कन किसानों की आग राहुल कछुआ आपसे रूबरू हो गए। भाई राहुल कछुआ आए और आप लोगों से रूबरू कर अपने बात रखे। मंच पर विराजमान आदरणीय मंच पर विराजमान आदरणीय गहलोत साहब आदरणीय रंधावा जी आदरणीय डोटासरा साहब परम पूज्य पिताश्री राम सिंह जी हमारी इस लोकसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय बुडानिया जी आदरणीय अनिल शर्मा जी पूसा राम जी गोदारा साहब मनोज मेघवाल जी कृष्णा पूनिया जी आदरणीय रफीक जी और हमारे जुजारू भाई आदरणीय बलवान जी पूनिया साहब मेरे इस लोकसभा परिवार के सभी किसान के आवाज को बुलंद करते रहे हमेशा ऐसे सभी शिष्ट नेतृत्व में बैठा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अमित चाचान जी को भी जो नौर से पधारे हुए हैं। मैं गहलोत साहब डोटासरा जी बताना चाहता हूं कि जब मैंने इस परिवार के अंदर में शामिल हुआ मैंने पहला काम यही किया कि मैं हर तहसील हेडक्वार्टर पे गया और हर तहसील हेडक्वार्टर पे मेरे सभी विधायक विधायक प्रतिनिधि के रूप में इन लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। आप लोग इसे कहता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर इस पूरे कांग्रेस टीम को इस पूरे कांग्रेस परिवार को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। बहुत कुछ कहना है मुझे एक लंबा सफर मेरे पिता का राजनीति का रहा है सालों साल की मेहनत रही सालों साल का आप लोगों से एक आत्मीयता का रिश्ता रहा है। जिस
परिस्थितियों में आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। आसान नहीं था मेरे लिए यह फैसला करना, पर यह ताकत थी मेरी आप लोगों की। हीरो से भी महंगे मेरे कार्यकर्ता बैठे हो, यह आप मेरे ताकत थी। इस ताकत के कारण मैं यह फैसला ले पाया। कल की मीटिंग देखी मैं, थेलो की मीटिंग सुनी होगी। एक बात तो तय है, हाल तो गया बेटा, हाल तो गया। सारा नेता, मैं 20 दिन के को टाइम ही कौन बीते, 20 दिन पहले तो हूं पार्टी में ही थो मैं, पर उनके लिए किसी मशीन है, वॉशिंग की मशीन, जो मैं गुज्जा है वो दुलजा है, जो गलती हूं बाहर निकल जाए तो मैलो हो जाए वो। 20 दिन पहले मैं उस पार्टी में था, और जो शब्द, जो शब्दावली, जो विचार रखे गए मन ने, कदे उम्मीद भी कौन थी कि इतनों भी दर्द मेरे नाम को मन में पाल रखे है। काका की तो समझ में आवा है, काका की तो मेरे समझ में आवा है, काका की तो बात करनी पड़ेगी, पर बाकियां के मन में भी इतनी घृणा थी, कईयां तो यूं लागे थे कि लिख के दे रहा, क्योंकि रट्टन में याद कर ली तो नहीं आए बात कहनी है। भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था अपन, वे पर मारी नजर मछली की आंख पर है, और आंख काका अपन है सारो बेरो है, मैं भ्रमित को नहीं हुआ। थाने जवाब बाद में दे लेंगा, पहले काकों तो बात कर ला। बहुत, और उन लोगों का मुझे, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर किस दिन मेरा मुंह खुलेगा आपकी शराफत के जनाजे निकलेंगे, ये बात मान के चल लेना। मैं थारे बीच में ही रह रहा हूं, 33 साल को सफर है, कुछ लोगां भी कोनी, सबका सब उस 33 साल के दौरान इस पार्टी में आया है। मैं कुछ बोलना कौन चाहूं, क्योंकि मैं मेरे चुनाव की गरिमा तोड़नी कौन चाहूं, और मेरी नजर मछली की आंख पर है, और आंख से मैं हटू कोनी गो, या बात ध्यान के रख लियो। बात कर रहे किसान को, किसानी की, बड़े बड़े मुद्दे लेके आए, कल बड़ी बड़ी बातें हुई, आज बड़ी चिंता हो गई कि किसान और किसानी कड़े जा रही है। किसान और किसानी अपने आत्मसम्मान के लिए जीती है कीमत, कुछ भी हो चुका देती है हमेशा। कौन से मुद्दे के बारे में बात कर रहे होते, कौन से दिन आप बोले किसानों के बारे में, पता ही नहीं है आपको। बीमा के लिए लड़ने वाले हमारे कॉमरेड साथी बैठे हैं, मारी कोनी तो जरूर रेडी है, पर दिल हमेशा एक ही रहे हो। मंगेश बैठा है मेरा छोटा भाई, बलवान जी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, जिन्होंने वक्त बेवक्त के ऊपर किसानों ने जब भी याद किया हमेशा तैयार खड़े मिले रहे। 2021 के बीमे की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, गलौत साहब, किसान संगठनों ने हमको याद किया। मैं कृष्णा पुनिया जी बुढ़ानिया साहब, मैं एक झटके में इनके एक आह्वान पे चला गया, क्योंकि मुद्दों किसाना को तो किसाना के जेब में रुपये आ रहे थे। मैंने कभी पार्टी देखी ही नहीं, मुझे ये पता था कि अगर मेरे किसान के जेब में रुपये सिद्ध आवेगो, उनसे बड़ो विकास कोई को नहीं, जेब भरी रहेगी न, विकास आप हो जैसी। 72-74 करोड़ क्लेम लेके आए हम, एक दिन आपने मुद्दा नहीं उठाया। 1,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरना था राजस्थान की सरकार को 2023 के खरीद का, 3 बार चक्कर काटे, आप आज तक नहीं बोल पाए। कभी पोर्टल खुलाने की बात हुई तो हम लड़े, मिलकर लड़े, कभी आपके पास मुद्दे नहीं थे। ज्यादा भाषण ना दो, ये किसान किसानी का, थाने चुनाव नजर आने लग रहे हैं और थाने हार भी नजर आने लग रही है। कभी स्टैक की मीटिंग में क्या बात हुई, कौन से मुद्दे पे आप लोग बोले हो, ओ काका जी थे तो कदे बोले ही कोनी था, तो पते कोनी स्टैक होवे के है।
या क्रॉप कटिंग के अंदर देखी नहीं होती के और किसाना की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में किसान की सबसे बड़ी कोई योजना है जिसका किसान को डायरेक्ट फायदा मिलता है, वो फायदा मिलता है तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के कारण ही मिला है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, तब जाके क्लेम किसान के खाते में आया है। ये बात कर रहे हैं, भागीरथ की बात चल रहा है, नहर को मुद्दों लेके आए, यमुना लिंक को एन कैन किन पतो भी है कि यमुना लिंक मुंह आवे कि मैं नहर ले आऊंगा। हमारा उम्मीदवार साहब भी कितना बोला है, थारो तो नामांकन ही बदल दियो, काल से नामांकन तो पहले ठीक करवाओ। काल थाने जैम भाषा में लोग बोल रहा था पहले ना, निया तो डाटो की थारो नाम देवेंद्र जाजड़िया है, कुछ और को नहीं। यमुना लिंग का पानी ले आएंगे पतो ही को नहीं। काका साहब चुनाव कभी 19 तारीख को है, बता दो जरा जनता को क्योंकि यमुना लिंग का पानी चूरू जिले में कहां पे आने वाला, हम तो आपको इसी मान जाएंगे, बता दो। मैं तक ओपन चैलेंज करके जा रहा हूं, लोगों ने गोल गोल ना घुमाओ, पढ़ा लिखा हाँ किसान का बेटा हाँ किसानी ने भी समझा और थाने भी पक्की तरह समझ चुके हैं। अनेकों मुद्दे अलग अलग बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मित्रों ये चुनाव आ रहा है अपने सामने और इस चुनाव के अंदर समझदारी से अपने काम करना पड़ेगा। जातिवाद की बात करते हैं, सामंतवादी सोच थी आपकी है, अगर से डोटासरा जी की बात मान ली तो काल शायद बदल सके, पर इतने तो पक्की खड़ी है। आप लोगों ने कमिश्नर लोगों को कुचलने का काम किया, आप कहते हो कि आप जातिवाद की बात नहीं करते, आपके परिवार के सदस्य ने सरदार शहर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप में क्या भाषण दिया जो लोग एक एक बच्चा जानता है इस बात को। आगलो नाम ना बताइयो, गैरडो नाम बता दियो और मैं थारा सारा काम कर दूंगा, ये सोच आपकी नहीं। नेता मार नेता, कितने नेताओं का आपने जीवन खराब किया है। आजकल नेता मार नेता जी ने नेता मार अधिकारी को भी काम चालू कर रखे है। अजमेर की रैली के अंदर कितने घटिया बात कही गई, जो लोग आपके बिल्कुल नजदीकी हैं सब बच्चा बच्चा जानता है, उनसे लोगों का कभी आपने कटाक्ष नहीं किया चुनाव के अंदर। ऐ कारण तारानगर में थारा दो हजार 2014 के चुनाव में बसपा भाजपा भाजपा बसपा कोई छुपावा हमसे क्या, और आपको चार छाती पे बोर्ड दो हाथी पे कौन दियो मारो यो, बोलने की जरूरत नहीं। और थे के सोचो हो और थे बेटे की कसम खा गया काल तो हदी कर दी। अरे थे चूरू में हो, कोई राजसमंद को चुनाव हो रहे गए हो, थाने लोग जाने हैं, थाने लोग सालों साल तक देखे हैं, थाने थारी हर बात से वाकिफ हैं। समाज का सारा मतलब, हमने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करी, मुट्ठी बंद थी और मुट्ठी बंद रहेगी चूरू की। इस 33 साल के सफर के अंदर न किसी धर्म न किसी जाति के बारे में कुछ बोला है, पर काका जी थारे बारे में जरूर बोलेगा क्योंकि कोई हिम्मत कौन कर पाए है। जेली रोपी है और मेरा किसान भाई बैठे हैं आगे, मेरे साथ देंगे, मेरे पूरा विश्वास है। आप समाज की बात करते हो भैरव सिंह जी के सामने, भैरव सिंह जी जिनने आपकी शुरुआत करी, हमारे पिताजी की शुरुआत करी, खुले मंचों से कहा हमेशा, थे तो ख्वाब विद्याधर नगर की टिकट लेने का भी कर लिया था, वो तो पार थारी पड़ी को नहीं, और थे आ समाज की बात कर रहा हो, क्यों लोगों ने भ्रमित करने को काम करो हो। मेरी मां के बारे में कहें कि चुनाव जीत के आज राखी बांधी, तिलक लगायो। काका साहब मैं तो मेरी मां ने माइक दू को नहीं कि मेरी मां थोड़ी गुस्सा में ज्यादा बोल जाए, ज्यादा ज्यादा मैं खुद ही बोल जाऊं ठीक रहूंगा। दो हजार उस चुनाव की जिसकी आप बात कर रहे हो, उस चुनाव के बाद की दास्तां तो सुनाओ, जनता को सुनना चाहती है। 2014 में कहा था, 19 में क्या किया, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, 18 में क्या किया, 13 में क्या किया, विश्वास के नाम पे राखी बांधी थी, विश्वास के नाम पे तिलक लगाने का काम किया था, आपने तो उन हाथों को ही काटने का काम कर दिया जिसके विश्वास के ऊपर आपको दिया गया। आप बोल रहे हो, थोड़ा सोच के तो बोलो, बोल भी क्या रहे हो।
किसी से भी पूछ लेना। मैंने यूं ही नहीं कहा था कि जयचंदों को बीच में खड़ा हुआ जयचंद जयचंद की बात करता है, वो बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। और मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चलाकियां गले लगकर गला काटूं, वो मांझा नहीं हूं मैं। मैं ये बात आपको पहले बता देना चाहता हूं, आप जिस बहम के अंदर इस समाज को आज इस चुनाव का मूड मोड़ना चाहते हो, इस किसान कौम, इस 36 कौम, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कुछ बातें करने की है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 19 तारीख को होने वाला चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस ऐतिहासिक चुनाव के अंदर अपन इस सामंतवादी सोच के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? चार लाइनें याद आती हैं साहिब लुधियानवी की, ना मुंह छुपा के जिए ना कभी सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हमने मसाले जला कर जिए। थारला छोरे मसाल जला दी है, के थे मेरे साथ दोगा? के थे मेरे साथ दोगा? के थे मारो साथ दोगा? मैं दो लाइना बोलूंगा, थे मेरे गैल गैल जरूर बोलोगा। चूरू मांगे, चूरू मांगे आजादी, चूरू मांगे, चूरू लोकसभा मांगे, सामंतवाद से, काका से आजादी। सारे जने हाथ खड़ करके बोलेंगे आजादी, आजादी, आजादी। जय जय कांग्रेस, धन्यवाद कांग्रेस। हमारे बीच फतेहपुर के लोकप्रिय विधायक जनाब अकमली खान जी भी पहुंचे, उनका भी जोरदार तालियों के स्वागत करें गड़गड़ाहट से। और टीम राहुल कसवा सालासर से इनके साथ चल रही है महिला सुनीता जी से मैं निवेदन करूंगा कि भाई राहुल कसवा का रक्षा सूत्र बांध कर इनका स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, इनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। महासचिव इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनके सामने पानी नहीं पिया जाएगा, बीजेपी को पिलाएंगे पानी। माननीय अशोक गहलोत जी, डोटासरा साहब, राहुल कसवा जी, मेरे बहुत ही आदरणीय नरेंद्र बुढ़ानिया जी, राम सिंह कसवा जी, पूसा राम गोदारा जी, अनिल शर्मा जी, अमित चौहान जी, मनोज जी, कृष्णा पूनिया जी और स्टेज पर बैठे मेरे सभी सत्कारयोग भाई बहन, और आज सबसे अगर मेरे को खुशी हुई है आप लोगों का जोश देखकर मेरे को मजा आ गया। बोला तब जाता है कि अगर वर्कर सामने जोश में हो तो लीडर को फिर वर्कर दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता। मैं डेरा बाबा नानक बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लगता है, 800 किलोमीटर है यहां से, पर यार आज जो आपने मजा दिया मेरे को पंजाब में कभी ऐसा मजा नहीं आया। राहुल जी, मेरे छोटे भाई, मैं 4 जून को यहां आपको मुबारकबाद देने आऊंगा। आपने कहा किसान की बात की, मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं
वो आतंकवादी नहीं है, वो अन्नदाता है। उस देश को जो बाहरी कंट्री से अन्न मंगवाते थे आजादी के टाइम और आजादी के बाद, तो आप पंजाब के किसानों को कहते हैं, आरएसएस ने कहा कि जो वहां बैठे हैं वो आतंकवादी हैं, अलगवादी हैं। हम देशभक्त हैं, हम ना अतवादी हैं ना हम वक्तवादी हैं। अगर देश को आजादी दिलवाई तो इन इन भाइयों ने, देश की पगड़ी उठाई तो इन भाइयों ने। अंग्रेजों के टाइम में जहां उस टाइम लगा था किसानों का धरना, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट में लगा, ये 15 महीने चला। अंग्रेजों के टाइम में 1919 में 18 महीने चला, और उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? शहीद भगत सिंह का चाचा अजीत सिंह। उसने वहां नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। आज फिर वही टाइम आ गया है कि देश को बचाना है। उन्होंने कहा कि 6 डोटासा जी कह रहे थे कि 6 फुट 2 इंच का कोई यहां लीडर, वो तो आपने लटा दिया उसे। हमें तो लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, इतना जो देश को आगे ले जाए, जिसने नारा लगाया था जय जवान जय किसान। हमें देश को बचाने के लिए, राहुल भाई आपने जिन लीडरों की बात की, इनकी जमीर मर गई है। जिस लीडर की जमीर मर जाए वो कभी देश को बचा नहीं सकता। इनकी तो जमीर जिंदा है ना, जो सामने बैठे हैं। ये दिखाएंगे देश को कैसे आगे लेकर जाना है हमने। मेरे भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं उस धरती से आया हूं जहां से गुरु नानक साहब ने खेती स्टार्ट शुरू की थी, वहां से क्यों आया। अगर किसान खत्म हो गया, खेत मजदूर खत्म हो गया, जो जिंदा देश नहीं रह सकेगा। किसान के घर पैसा आएगा, दुकानदार के आएगा, मजदूर के घर आएगा, तो देश चलता है। तो मोदी साहब कहते हैं नहीं, जो कोरोना में टीके लगते थे, जो वहां वो टीके लगाने वाला अगर पैसे देगा तो फिर ही उसके टीके पास किए जाएंगे, चाहे लोग भाड़ में जाएं। 48 कंपनियां हैं जिन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर पैसा दिया, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड नहीं मैं कहता, मैं इसको रिश्वत कहता हूं। हमें अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। देश आजाद किसने करवाया? इन लोगों ने जो सामने बैठे हैं। अब हम इन देश को दोबारा गुलाम नहीं देखना चाहते। क्या देखेंगे, क्या बच्चे हमारे कहेंगे कि देश को किन लोगों ने आजाद करवाया और कैसे फांसी के फंदों पर चढ़े? और बीजेपी वाले तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। इनको कहो कि स्टेज पर खड़े होकर बता दें कि इनके परिवार में किस आदमी ने देश की आजादी के लिए काम किया है, कोई नहीं बता सकता। तो कांग्रेस वाले सभी बता सकते हैं कि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे पर चढ़ा। ये बात करते हैं सरदार पटेल की। गुजरात का लोह पुरुष उठा था, सबसे पहले उसने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था कि ये देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, इसको मैं बैन करता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देश अगर खड़ा है तो फौज है, उसने देश की राखी की है यार। उसको भी हमने कर दिया कि अग्निवीर बना दो,
18 साल का भर्ती हो गया, 22 साल के घर में आ गया, शादी में क्या बताएंगे? ससुराल वालों को कहां गया था, कहां से आ गया? उसकी शादी तो होने दो यार, 25 साल के बाद कर देना उसे अग्निवीर। हमारी पार्टी ने फैसला किया है राहुल गांधी ने कि प्रॉपर भर्ती होगी, कोई अग्निवीर नहीं, फौज की सीधी भर्ती होगी। हमने देश को मजबूत रखना है, हमने अडानी अंबानी को मजबूत नहीं करना। हमारा देश मजबूत होगा तो ये किसान, ये जवान, ये मजदूर, ये सभी लोग फिर ही जी सकते हैं। मैं वैसाखी आपने देखी, बहुत मनाते हैं आप, पंजाब में कम मनाते हैं, पर हमारे वहां होला मोहल्ला होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की थी और जुल्म का टाकरा किया था हमने। गुरु तेग बहादुर ने ये कहते हैं कि हिंदू सिख में बिखेड़ा डालना चाहते हैं और कौमों में, सबसे पहले अगर कुर्बानी हुई तो गुरु तेग बहादुर ने, जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर से चलकर दिल्ली में जाकर अपना शीश दे दिया था और कहा वहां हिंद की चादर बने, पंजाब की चादर बनकर नहीं आए। और साहब ये एक हिंदुस्तान का गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को मत बिखेरने की कोशिश करो, ये गुलदस्ता इकट्ठा रहेगा और देश की आजादी और देश को आगे लेकर कांग्रेस जाएगी। मैं गहलोत साहब पंजाबी में ये बोलते हैं है मारवाड़ी, तो इन्होंने मेरे को कहा, मेरी तो आपकी 26 को इलेक्शन खत्म, कृष्णा जी आपको तो पंजाबी आती है, इन्होंने कहा मेरे को, मैंने कहा भी मैं भी वापस जाऊंगा, कहने लगे हम आएंगे वहां, तो जैसे आप बोलते हो ना हम भी फिर माझा में बात करेंगे। मेरे को खुशी होती है कि जब आप कहते हैं ना मौर्या बोलेगा, मेरे को वहां पंजाबी बोलते हैं कि तुम भी बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते मौर्या, अब इनसे सीख कर जाऊंगा। आज जब स्टार्ट करते हैं ना, कभी मेरी पहली मीटिंग आपकी है तो आपने एक बहुत शुभ मुहूर्त मेरे लिए कर दिया, मैं जीत कर जाऊंगा और कांग्रेस को और हिंदुस्तान में बताऊंगा कि राजस्थान 0-25 नहीं होगा, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी, अब हम आगे जाएंगे, वो हमारे पीछे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मेरे साथ भाइयों निवेदन है कि कोई भी सब जनाथे बैठ जाओ और बढ़िया तरीके से अशोक जी को भाषण सुनने के बाद में उनके बाद ही आप सारा जनाथ चल लेंगे। एक छोटो सा मैं प्रोग्राम खाली और सोच रखे है, कोई भी अपनी जगह छोड़े नहीं, को थाने बैठने की मैं कह रहा हूं, कृपया करके सारा जना बैठ जाओ, सब जना बैठ जाओ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार जिनको खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के, हम सब जो मंच में बैठे हुए हैं, इन सब की भावना देखते हुए आपके बीच भेजा है कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास इनको इस बार फिर मिले पहले की तरह, ये चुनाव जीत के जाएं। इस बार तिरंगा इनके हाथ में है, तिरंगे का अपना अलग मान सम्मान देश दुनिया के अंदर है, तिरंगे का त्याग बलिदान कुर्बानी की लंबी कहानी है। भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो,
उस जमाने के क्रांतिकारी थे, चाहे महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, कितने बड़े नेता थे, कितने नाम गिने हम लोग। आप बताइए किस प्रकार से देश को आज़ाद करवाया हो, जेलों बंद रहे हो वो लोग, दर दस साल तक जेलों बंद रहे, आप सोच सकते हो। इन लोगों ने जो आज ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पूछो आप तो मुखबरी करते थे, आपने उंगली भी नहीं कटाई थी उस जमाने के अंदर। तो राहुल कस्वा जी, मैं समझता हूँ कि उनको धकेल दिया गया, वहां से धकेल दिया गया। राजनीतिक पार्टियों की अपनी विचारधारा होती है, उसमें राहुल गांधी विश्वास करते हैं। एक बार मैं उनके साथ था बड़ौदा के अंदर, किसी ने कहा ये आरएसएस बीजेपी को खत्म कर देना चाहिए, राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हो, आरएसएस भी रहेगी, बीजेपी भी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई विचारधारा की है, उसूलों की लड़ाई है। तो ये सोच रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसके नेता ने देश की आज़ादी के पहले भी जेलों में बंद रहे, गोलियां खाई, लाठियां खाई, और बाद में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, खालिस्तानी बनने दिया, खालिस्तानी बनने दिया, उनका सीना छलनी कर दिया गया 36 गोलियों से। मैं उनका मंत्री था उस जमाने के अंदर, उनका आभास हो गया था कि मेरी शहादत हो सकती है। इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा, उड़ीसा में कहा था कि हो सकता मेरी जान चली जाए मरने के एक दिन पहले, हो सकता मेरी जान चली जाए, और मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी तो यहाँ लाल झंडा लगा हुआ है, इंडिया गठबंधन है, टक्कर दे रहा मोदी जी उनकी कंपनी को, आप बताइए देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, लोकतंत्र का उत्सव है, वोट आपका अंतरात्मा का वोट है, ये किसने अधिकार दिया? कांग्रेस ने दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया संविधान के माध्यम से, सबको, गरीब हो अमीर हो कोई हो, एक वोट का अधिकार है। आज माहौल बन गया है, अगर मोदी जी वापस जीत गए तो बाद में चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे, इतना खतरनाक माहौल बन रहा देश के अंदर, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। और किसान तो बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है, समझता देश में क्या हो रहा है, इसलिए हालात बड़े गंभीर हैं, देश किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है, मूल समस्या की तरफ तो किसी का ध्यान है नहीं, झूठे वादे कर लिए, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपये डाल देंगे खाते में, वो तो जुमला हो गया, लोकपाल गायब हो गया जो अन्ना हजारे बैठे थे। आप बताइए किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं जो मुख्यमंत्री था तो मेरे साथ में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे गुजरात के अंदर, तब उन्होंने बोला करते थे हमारी मीटिंगों के अंदर कि सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए MSP लागू करे, कानून बना करके लागू करे, और कोई नहीं कहता था, नरेंद्र मोदी जी कहते थे। 10 साल हो गए उनको आए हुए सत्ता में, अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, 15 महीने किए, 600 किसान मारे गए हैं, कोई नाम दे रहा उनका, जानता कोई उनको, क्या बीतती होगी उनके परिवारों पर। हमदर्दी तो आपको हमदर्दी उनके प्रति है, सरकार को हमदर्दी है उनके प्रति, क्या हो रहा है ये सोचना पड़ेगा हम आपको। ये लोकतंत्र का उत्सव होता है, दुनिया लोहा मानती है हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश के अंदर हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर, जहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते ही नहीं थे, आज इस देश में क्या नहीं है, परमाणु अणु से लगा करके पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो गई है,
राजस्थान कहाँ का कहाँ गया मालूम है आपको? हमने कमी नहीं रखी थी इस बार किसानों का अलग बजट पेश करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने किसानों का अलग बजट पेश किया। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली जीरो भी ले रहा है, पेंशन बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को अलग दे दी, 15% बढ़ती जाएगी गारंटी दे दी, स्वास्थ्य गति का कानून पास कर दिया, चिरंजीवी योजना को कितना फायदा मिला है, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है स्कीम जो हमने बनाई यहाँ पर। क्या क्या नहीं किया हमने हर क्षेत्र में, नौजवानों के लिए अनुपति योजना, कोचिंग की फ्री कोचिंग, स्कूटी अलाय, बच्चों के लिए ड्रेस और दूध का इंतजाम, हर सैकड़ों स्कीमें मैं क्या गिनूँ आपको। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ स्कीमों के बारे में सब कुछ किया, इस बार लगता था सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, रिपीट हो गई। लोग कहते थे भाई इतने झूठ बोले गए, प्रधानमंत्री खुद झूठ बोल रहे हों, जिस देश के अंदर मंत्री झूठ बोल रहे हों, उनके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हों, मीडिया उनका साथ दे रहा हो, तो जनता में भ्रम होना लाजमी है। 5 लाख तो दिए हिंदू को मरने पर, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, इससे बड़ी झूठ कोई बात हो सकती है? कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, 2 घंटे में मुलजिम पकड़ लिए, 2 नौकरियां दे दी, 50 लाख दे दिए उसको, एनआईए को केस दे दिए इन लोगों ने, आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर हमारी पुलिस के पास केस रहता अभी तक हो सकता उनको फांसी की सजा हो रही थी, दोनों नौजवानों को फांसी की सजा हो सकती थी। इनको फायदा उठाना था चुनाव के अंदर, इन्हें जानबूझ के एनआईए को केस दिया गया, कोई रिजल्ट पता नहीं क्या हो रहा उसका। मैं कहना चाहूँगा कि राहुल कस्वा एक नौजवान है, आपने उनके विचार सुने, पिताजी को भी हम जानते हैं लंबे अरसे से, और मौका मिला आपको, राजनीति करवट ले रही है, इतिहास बन रहा है, इतिहास बन रहा है। जो मैं बैठे बैठे सुन रहा था सबको लगता है कि इतिहास बन रहा है, बुढ़ाने ऐसी लगा कर जो भी लोग बोले हैं यहाँ पर, एक से बढ़ गई बातें करी गई है, अध्यक्ष जी तो मौर्य बोलाने में लगे हुए सब जगह। आजकल तो ये डांस भी शानदार करते, डांस शानदार करते हैं, आपने मांग की नहीं, वरना भी डांस शानदार होता मंच पे, डांस होता भी। मैं तो खुद देखते रह गया, पहली बार डांस देखा था गाड़ी के ऊपर, जब ईडी का छापा पड़ा था ना, ईडी का छापा पड़ा तो इनको जोश आ गया। बताइए आप क्या ईडी कुछ नहीं करोगे अंदर, ईडी इनकम टैक्स CBI क्या क्या नहीं हो रहा है आप सोच सकते हो, चिंता लगी हुई है मुझे तो। मैंने जब हार गए हम लोग तो मैंने कहा भाई हार का तो गम हो सकता हो, उससे बड़ी चिंता है देश की चिंता होनी चाहिए सबको, देश की दिशा में जा रहा है ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहना तो बहुत लंबी बड़ी बातें हैं, आप कृपा करके चुनाव जो है चुनाव चुनाव ही होता है, चुनाव चुनाव ही होता है, उसके अंदर आप कृपा करके कोई कमी मत रखो, या जो आए हो ये तो एक बात हुई, उसके लिए आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। पर आप लोग सब जो है राहुल कस्वा बनकर के निकलोगे गांव गांव में, ढाणियों में, सबको समझाओगे क्या हालात है, क्यों बदलाव चाहते हैं, क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी, पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता इंसान, या तो वो छोड़ाते हैं पार्टियों को खरीद फरोश करके, बोली लगती है जैसे घोड़े बिकते हैं मंडी में, सरकार ले गए मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, 50 विधायक ले गए 50 करोड़ दे करके, ये लूटने बैठे हैं देश के अंदर, लूटने बैठे हुए हैं, लूट रहे देश को, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप बताइए चुनाव आप जिताते हो, जनता माई बाप है, वो हरा सकती है, घर बेच सकती है, हमें घर बेच दिया, हमें शिकार है, सी चुका के शिकार है, हमारी सरकार को लूट के ले जाए लोग, पैसा बांट के ले जाए,
ये मैं कैसे मंजूर हो सकता, फिर जनता का मान सम्मान कहाँ रहेगा, उनके वोट की वैल्यू कैसे रहेगी। आप तो गरीब से गरीब आदमी, दलित वर्ग का है, पिछड़ा है, बुजुर्ग आदमी जाके पैरों का हाथ लगाते, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, एमएलए एमपी हो, सरपंच हो, ये मान सम्मान मिलता है वोटों के अधिकार में, उसको खत्म करना चाहते हैं लोग। इतने मैं कहना चाहूँगा कि आप समझो इस बात को, और समझ करके आपको चाहिए कि इस बार चुनाव में आपको घर में के एक आदमी को ये चुनाव बड़ी चुनौती देश के सामने, ये चुनाव खाली आपका राहुल कस्बा का नहीं हो रहा है, ये चुनाव देश के भविष्य का हो रहा है, ये चुनाव लोकतंत्र के भविष्य का हो रहा है, ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का हो रहा है। मजाक बना रखी है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से इन्होंने, ऐसा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, 50 साल राजनीति में कर रहा हूँ। आप बताइए क्या हो रहा है, कौन बचाएगा इसको, आप बचाओगे। इसलिए मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, कृपा करके हमने क्या किया स्कीमें, मैं नहीं कहना चाहता आपको, बहुत सारी स्कीमें हैं, पर मैं ही कहना चाहूँगा, अभी लोगों को मालूम पड़ने लग गया गाँव में कि सरकार चली गई, हमारी स्कीमें कमजोर हो रही है या बंद हो रही है, नई सरकार काम शुरू नहीं कर पा रही है, झूठे आरोप लगाए गए, उनका जवाब हम मांगेंगे चुनाव के, ना मांगेंगे मोदी जी सब लोगों से। राहुल गांधी जी आता थी 5 पॉइंट लेकर के, महंगाई है उसके अंदर, कितनी भयंकर महंगाई है महिलाएं जानती है, बेरोजगारी फैल रही है, हमने 3 लाख नौकरी दी राजस्थान के अंदर हमारे वक्त में, गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं। आप अपने प्रेम मोहब्बत भाईचारे रहो देश के अंदर, तभी देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, एक वखंड रहेगा, विभिन्न भाषाओं का और विभिन्न जातियों का देश चाहिए। इसलिए राहुल कस्बा एक नौजवान है, हमारे परिवार में शामिल हुआ है, हम सब उसका हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे, आप सभी लोग जो नया माहौल बना देश के अंदर, उसकी वास्तविकता को समझोगे, संभल करके भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, इस बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, इस प्रकार से आपको कामयाब करना है इनको, हम सब मिलके आने वाले वक्त में, मैं ही मुख्यमंत्री था जब आपको डबल मिला इंश्योरेंस का पैसा, बोलो मत आपको याद आपको होगा, एकमात्र तारानगर और चूरू का जिला था जहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा पूरा मिला, कृषि बीमा का आपको बार बार दे रहे हैं, आपको कोई कमी रख नहीं रहे हैं, जहाँ हाथ में कलम मेरी थी जब कहीं मौका आया चूरू का, हमने इंश्योरेंस का पैसा भी जमा करवाया, आपको मुआवजा भी दिलवाया, ये मुझे खुद को याद है इस बात का। इतने में आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, अभी गोविंद जी मेघवाल इंतजार कर रहे होंगे और वह पूर्ण टाइम से जरूरी है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता है, इसलिए कृपा करके आप जो हमने सब बात कही है सब लोगों ने, उनको आप गार्ड बांध के जाओ, संकल्प लेके जाओ, और राहुल कस्बा को आपका आशीर्वाद 4 तारीख को, 19 तारीख को, 4 को जोधपुर में, 19 तारीख को एक एक वोट पड़ना चाहिए, गांव जाने से लोग आने चाहिए, जाने की व्यवस्था भी आपको करनी है, कमी नहीं रखनी है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजस्थान ने राहुल कस्बा को समर्थन दिया है और हमारे बीच उपस्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी आपको हमारे सब कुछ दी दो राके मारी।
तेजाजी महाराज की, बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए श्री बालाजी महाराज की। साथियों आज आप सब लोग यहाँ पधारे हो भाई रावल कसवां जी को मजबूत करने के लिए। मैं आपको इस सामंतवादी व्यक्ति की 15 साल पहले किए गए कुकर्म के बारे में याद दिलाना चाह रहा हूँ। साथियों 15 साल पहले दारा सिंह की निर्मम हत्या करवाई गई थी, उस हत्या का बदला आप लोगों को लेना है। साथियों उसी प्रकार से भाई राहुल कसवां जी की राजनीतिक हत्या करने का ये प्रयास है। हेलो हेलो, इस प्रयास को कामयाब नहीं होने देना है। मेरे ये भरोसा दिलाते हो, आज इस सभा में पधारे आप सभी लोगों को तेजाजी महाराज की सौगंध है। प्रत्येक व्यक्ति को राहुल कसवां बनकर इस चुनाव को लड़ना है, और जिस व्यक्ति ने दारा सिंह की हत्या करी थी फिर सजा काट के आया था, आज सामंतवाद फैला के अपने इस किसान के बेटे राहुल कसवां की हत्या नहीं होने देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब युवा साथी इतनी ताकत के साथ इतनी मजबूती से भाई राहुल कसवां जी को मजबूत करने के लिए पधारे। राम राम साहब। Yeah, 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 yeah